हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सबको आवाज़ आ रही है चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में जो अपना बचा हुआ जो मैराथन सेशन था जो बचे हुए टॉपिक थे उनको हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है अन के लेट्स क्रैक्ट राजस्थान एग्जाम चैनल पर और एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको क्लियर पहुंच रही है आवाज़ कोई दिक्कत नहीं है आवाज़ सुनने में सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है फिर हमारा इस क्लास की शुरुआत करते हैं ऑल क्लियर ऑल क्लियर ओके ओके शुरू करते हैं आप सभी सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है के लेट्स राजस्थान एग्जाम चैनल देखिए, शुरुआत के पांच मिनट में आपको बता दूं कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे आ, वो हम मैं आपको बता दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको याद रहे कि हाँ सर यहाँ तक आपने पढ़ाया था तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी पर और देखो हम फिर अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़ा दिए थे देखो हमारे ये टॉपिक हो गए थे ठीक है ना ये सारे टॉपिक जो है मैं लेके जा रहा हूँ ये सारे टॉपिक हमारे हो गए थे जिसमें पहला चैप्टर था अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीमा वाला आ, ठीक है उसके बाद में हम आगे बढ़े थे उसके बाद में हम आगे बढ़े थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की तरफ आगे बढ़े थे जिसमें हमने मुरुस्थल वगैरह ये पूरा जो भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक था ये हमने डिस्कस किया था अरावली की स्थिति को डिस्कस किया था अरावली की स्थिति को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े थे अरावली में कौन कौन सी ऊंची छोटी है कौन कौन से दर्रे हैं अरावली के कौन कौन से प्लेटू है कौन कौन से पठार है अरावली को कौन से जिलों में किस नाम से जाना जाता था आ, इसको भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था ठीक है ना उसको भी जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था उसके बाद हम चले थे ये हड़ौती वाला पठार भी हमने डिस्कस कर लिया था यानी कि फिजिकल जो इसके बाद फीचर्स है उसके बाद नदियों की तरफ हम आगे बढ़े थे राजस्थान में तीन तरीके का नदियों का तंत्र है अरब सागर की नदियां बंगाल की खाड़ी की नदियां और अंतरप्रवाही नदियां इनको हमने डिस्कस कर लिया था इन नदियों को और डिस्कस करते हुए हम नदियों को हमने काफी बारीकी से देखा था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रूप में पूछी जा सकती है कौन किसकी सहायक नदी है कौन सी नदियों पर कौन से बांध बने हुए हैं ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ा दिया था और आप सब लोग कंटिन्यू थे आपको पता भी है कि ये सारा टॉपिक हमारा हो गया था ठीक है आ, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कौन सी नदियां जो है वो अंतर प्रवाही नदी है जो इनलैंड वाटर की नदियाँ है उनको भी हमने डिस्कस किया था इसके बाद हम आगे बढ़े थे नदियों के बाद में हम झीलों की तरफ आगे बढ़े थे लेक्स जो है और राजस्थान में झीलों को भी हमने झीलों <Come on>. को भी जो है झीलों की शुरुआत यहाँ से की थी और झीलों को भी हमने जो लेक्स है उनको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कौन सी खारे पानी की झीलें थी और कौन सी मीठे पानी की जिले थी। फिर मैं आपके सवाल देखूंगा अभी एक बार सवाल देखूंगा मैं आपको उस टॉपिक तक ले जाना चाहूंगा <Sans> Sa... ठीक है उस टॉपिक तक ले जाना चाहूंगा कौन सी खारे पानी की झीले थी कौन सी मीठे पानी की झीले थी ये सारी सांबर की झील ये सारी झीले हमने डिस्कस की थी इसके बाद हम आगे बढ़े थे झिलो के बाद में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक डिस्कस किया था झीलो के बाद वाला जो टॉपिक था <coughs> वो टॉपिक सॉरी वो टॉपिक जो आपने डिस्कस किया था वो टॉपिक आएगा आगे ये बनो वाला फॉरेस्ट वाला टॉपिक ये हमारा हो गया था और ये जब टॉपिक हम पढ़ रहे थे फॉरेस्ट वाला टॉपिक तो मैंने आपको एक काम दिया था कि आपको राजस्थान की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है और भारत सरकार की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसका मैंने एक अलग वीडियो लिया था 2019 का आप सबको मैंने देखने के लिए कहा था कि उस फॉरेस्ट रिपोर्ट को आप एक बार देख लीजिएगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को आप देख लीजिएगा ठीक है और ये हमने आर से पूरा देखा था वनों से संबंधित योजनाएं भी हमने कुछ डिस्कस की थी जो आपके मेन्स में फिर हम बढ़े थे राष्ट्रीय पार्क की तरफ आगे बढ़े थे कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है कौन कौन से अभ्यारण्य हैं वो सारी बातें सेंचुरी वगैरह उसको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़े थे और उसको आगे किया था फिर उसके बाद में हमने राजस्थान के कौन से बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं ये सारे अभ्यारण्य हमने राजस्थान के डिस्कस किए थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे उसके बाद हम अभ्यारण्य के बाद में हमने संरक्षित क्षेत्र जो तेरह राजस्थान के जो कंजर्वेशन जो है वो हमने देखे थे हालांकि अब हो गए उसके बाद में जैव विविधता के विरासत स्थल जो पांच है आकलवुड इस पर अभी तक आरपीएससी में कभी सवाल नहीं पूछा है आकलवुड फसिल पार्क केवड़ा की नाल रामकुंडा उदयपुर नागपाड़ अजमेर और छापोली मनसा माता झुंझुनू इनको हमने डिस्कस किया था उसके बाद हमने राजस्थान के मृग वनों को भी देखा था सात मृग वन है और उसके बाद जंतु वाले भी थोड़े देखे थे और आखिर निश्चित क्षेत्र जो तैतीस है वो ठीक है बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं था हमने देख लिया था और नगे प्रोटोकॉल राजस्थान में जो पार्क है उसको हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी पार्क है और राजस्थान जैव विविधता जो बोर्ड है उसकी स्थापना चौदह की गई थी ये भी हमने देख लिया था ठीक है ना ये भी जो है हमने देख लिया था इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था ठीक है उसके बाद राजस्थान जाने की एवं जैव विविधता परियोजना जो है इसको भी हमने वेटलैंड अथॉरिटी को भी देखा था कि अभी आर्द्र भूमि प्रॉब्लम हुई थी

रामसर कन्वेंशन में है जैसे राजस्थान की दो आद्र भूमिया जो रामसर कन्वेंशन में एक केवला देव है और एक सांबर तो इन दोनों को वहां पर की बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को ठीक से रखने के लिए राजस्थान के जो मिनिस्टर है पर्यावरण और वन मंत्री उनकी अध्यक्षता में जो है सत्ताईस ग्यारह दो को ये अथॉरिटी गठित की गई थी यही समस्या थी एवियन बॉटोलिज्म की और आपने देखा होगा कि इस तरीके इस तरीके से सांबर झील में जो है उन पक्षियों की डेथ हुई थी ये जो बॉटोलोइम की समस्या थी काफी खतरनाक थी वो लकवा उनमें झील में समस्या हुई थी सांबर झील में यह समस्या हुई थी ठीक है ना सांबर झील में समस्या हुई थी यहां तक हमने फिर हमने जलवायु को डिस्कस किया था राजस्थान की क्लाइमेट की कौन कौन सी किस तरीके के जलवायु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं क्लाइमेट को लेकर राजस्थान में वर्षा कम होने के पीछे कारण क्या है राजस्थान में मावट क्या होती है या महावट आने का क्या कारण है उसके पीछे हमने देखा था उसके बाद में हमने देखा था कि राजस्थान में मानसून की दो शाखाएं हैं एक अरेबियन शाखा है और बंगाल की शाखा है उसमें किससे ज़्यादा बारिश होती है सर्दियों में बारिश क्यों होती है क्या है फिर राजस्थान में चलने वाली कुछ पवने हैं जिनको हमने डिस्कस किया था जैसे बबुलिया क्या होता है आपसे गुजरात क्या है पूर्विया क्या पवन थी सूर्या पवन क्या थी समंदड़ी पवन क्या थी सीली मारबो पवन क्या थी तुवा पवन क्या थी झाला आथुनी अरडाव ना सिली तवा दोगड़ा ये पौने क्या थी ये हमने देखा था अब ये कोपेन वगैरह मैंने पढ़ाया था आपको थोड़ा बहुत लेकिन मेरे इंडिविजुअली वीडियो भी राजस्थान की ज्योग्राफी में कोपेन के हैं ट्रिवाता के हैं तो थॉनवेट के हैं उनको भी आप देख लीजिएगा आपका काम हो जाएगा ठीक है ना तो लास्ट हम यहाँ तक आके पहुंचे थे ये देख लीजिएगा मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी पढ़ाया है कॉपेन का वर्गीकरण थॉनवेट का वर्गीकरण दस दस मिनट के वीडियो है मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप देख लीजिएगा ठीक है ना वो भी मैंने पढ़ाया था यहाँ तक हमने कवर किया था जहां तक मुझे पता है इससे आगे आज चलते हैं ठीक है चलते हैं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है एनअकेडमी पर और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को आप सभी का स्वागत है एनअकेडमी पर सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपके लिए यहाँ अवेलेबल हो जाए एनअकेडमी पर जुड़ सकते हैं जुड़ने का सिंपल सा तरीका है गूगल प्ले स्टोर से एनअकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और स्टेट पीसीएस में आरपीएससी पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आपके लिए डेली लाइव क्लासेस होती है स्ट्रक्चर कोर्स है लाइव टेस्ट फीज और अनलिमिटेड एक्सेस है आप एक ही सब्सक्रिप्शन में बहुत सारी क्लासेज आप देख सकते हैं जब आप प्लस पर ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट सिलेबस होता है अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और रेगुलर आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी अवेलेबल रहेंगे और ये सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल रहेगी कि घर पर देख सकते हैं रिवीजन देख कर सकते हैं मल्टीपल टाइम देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस है, है। टीचर का एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है अभी अगर आप जुड़ते हैं तो तीन महीने का कॉम्बो है नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं अभी एक प्री ओरिएंटेड बैच भी स्टार्ट हो रहा है दोनों मीडियम में स्टार्ट हो रहा है अगर आप जुड़ने के इच्छुक है तो जुड़ सकते हैं एक ही फीस में आप सारी क्लासेस आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए यहाँ पर आप जुड़ते हैं तो एक साल की फीस आपकी सात हजार रुपए है जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी फाइव जून से और इसमें जैसे कई सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ कई सब्जेक्ट जो है सुरेश थोलिया सर जो पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ठीक है ना सुरेश थोलिया सर जो है वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कई सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे कई सब्जेक्ट जो है वो हिंदी इंग्लिश की जो मैम है वो पढ़ाएंगे ठीक है ना बहुत सारे टीचर जो है वो आपके लिए सब्जेक्ट लेकर आए इन सबकी क्लासेज आपके लिए एक ही में है प्रोड टेन कोड अप्लाई करो सात कोर्स का जो है उस पर अप्लाई करो और सात तो का आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा स्पेस मत दीजिएगा और आपकी फीस जो है वो छह हजार तीन सौ रुपए हो जाएगी ठीक है छह हजार तीन सौ रुपए हो जाएगी चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज का जो सेशन है वो है मिनरल्स वाला सब ठीक है ना अभी शुरू करू मैं कोई दिक्कत नहीं है आप आपको वो रिकॉल भी हो गया शुरू करें क्लास को इसके बाद अगर आज कंप्लीट हो गया तब तो आज ही करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी ठीक है ना अगर राजस्थान क्योंकि मुझे इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन सेशन लेना है अगर आज ये कंप्लीट हो गया ना तब तो आज ही करेंगे और आज अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो एक और ले लेंगे ठीक है ना आज कंप्लीट हुआ तो आज ही कर लेंगे इसको कंप्लीट ठीक है ना मेरी ये इच्छा है कि आज कंप्लीट हो जाए तो कम से कम जो है हम आ, इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन लेना है क्योंकि आपको तेईस को इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट टेस्ट है तो उसका मैराथन लेना है चलिए शुरू करते हैं आप सभी का स्वागत है देखिए खनिज ठीक है ये आपके आर एस फ्री में भी है और आर एस मेन्स में भी है और आर एस फ्री और मेन्स तो छोड़िए ये राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें खनिज मिनरल्स वाला टॉपिक हमेशा पूछा जाता है क्योंकि ऑब्वियसली आप देखोगे तो राजस्थान वो भूमि है जहां पर धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों मिलते हैं राजस्थान वो भूमि है जहां पर तेल भी मिलता है बिना नदियों के तेल मिलता है सबसे सब बड़ी बात है कि तेल जो निकलता है ना वो हमेशा अवसादी चट्टानों में होना चाहिए रॉक्स में ही जो है ऑयल निकल सकता है ऑयल है गैस है एंड कोल है इन तीनों के लिए शर्त यह है कि वो जो अवसादी चट्टाने होगी उसमें ही निकलेगा और अवसादी बनती है, बनती है वाटर हो, वाटर हो और फॉसिल्स हो, वाटर वाटर हो, हो जल और कॉम्बिनेशन बनता है और जल और जीवाश्म बहुत नीचे लंबे समय तक दबे रहते हैं तब जाकर जो है हाई प्रेशर हाई डेंसिटी जब बनी रहती है तब धीरे धीरे जो लकड़ी होती है लकड़ी में फॉसिल्स फॉसिल से गैस कोल कोयला बनता है और तेल बनता है जैसे आप देखोगे तो जो तेल के एरिया है जो ऑयल के एरियाज है दुनिया दुनिया में वही मिलेंगे जहां पर पानी और वनस्पति वेजिटेशन एंड वाटर का कॉम्बिनेशन मिलता हो वहीं पर तेल गैस और कोयला मिलता है ये हमेशा ये पहली शर्त है ठीक है ना तेल गैस और कोयला कभी भी जो है ये कभी भी इग्निशियस रॉक्स में नहीं मिलेगा कभी भी जो है ये आग्ने चट्टानों में नहीं मिलेगा क्योंकि आग्ने चट्टान ज्वालामुखी से बनती है वॉल्केनो एक्टिविटीज से बनती है जिसको आप प्राइमरी रॉक कहते हैं प्राथमिक सेल कहते हैं और आग में नहीं होंगे क्योंकि आग में वो जल जाएंगे तो आग जहां पर होगी वहां पर तेल गैस और कोयला तो कभी हो नहीं सकता यानी कि आग्न चट्टानों में तेल गैस और कोयला होने की संभावना होती ही नहीं है दूसरी च... दूसरा फिर रॉक फॉर्मेशन होता है आपका अवसादी चट्टाने उसमें तेल गैस और कोयला मिलेगा क्योंकि उसमें अवसादी चट्टाने मिलती है जल और जीवाश्म है राजस्थान में तो नदियां है नहीं तो वाटर कॉम्बिनेशन तो है नहीं ना राजस्थान के पास समुद्र है फिर भी तेल गैस और कोयला मिलता क्यों है तो कि आप सब जानते हैं अरावली का जो पश्चिमी भाग है अरावली का पश्चिमी जिस, जिस सागर, 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 सागर में रेत होती है आज भी अगर अगर हम समुद्र के किनारे जाओगे तो वहां पर आपको खूब सारी रेत दिखाई देगी वही रेत आपको रेगिस्तान में भी दिखती है रेत का एक साक्ष्य भी मिलता है कि जहां पर रेत है आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि वहां पहले कभी समुद्र रहा होगा क्योंकि जो मिट्टी है सॉइल का फॉर्मेशन एक जैसा मिलता है तो राजस्थान में भी तेल गैस और ऑयल तेल गैस और जो आपका कोयला है ये राजस्थान में मिलता है अरावली के पश्चिमी भाग में अरावली के पूर्वी भाग में अवेलेबल नहीं है क्योंकि अरावली का पूर्वी भाग अधिकतर जो चट्टाने हैं ये आग्न चट्टानों की बनी है और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जो अरावली का वेस्टर्न भाग है वो सेडिमेंटरी रॉक से बना हुआ है अवसादी चट्टानों से ठीक है ना लेकिन एक संभावना राजस्थान सरकार ये जता रही है कि राजस्थान में जो कोटा बूंदी बारा झालावार जो संभाग है जिसको आप विंध्यन बेसिन कहते हैं यहाँ पर खूब सारी नदियां बहती हैं नदियों वाला संभाग है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आने वाले भविष्य में यहाँ पर हमें कोई तेल के कुएं मिले विंध्यन बेसिन में जो बाटा हुआ है जो हड़ौती रीजन में आता है जो बाटा हुआ मिले लेकिन अब तक कोई तेल का कुआ नहीं मिला है तो राजस्थान में आप देखोगे तो धात्विक खनिज मिलते हैं और अधात्विक खनिज दोनों प्रकार के खनिज मिलते हैं दूसरा राजस्थान में कई अटोमिक खनिज भी मिलते हैं जिनको पढ़ना है जैसे जिनका उपयोग जो है वो परमाणु ऊर्जा में किया जाता है तो अटोमिक खनिज भी मिलते हैं कुछ कीमती पत्थर भी मिलते हैं बड़े कीमती पत्थर जैसे आपने रिंग वगैरह पहनी है तो उसमें पत्थर वगैरह है तो कुछ कीमती पत्थर भी मिलेंगे जिसको लेकर भी सवाल पूछा जाता है जैसे गार्नेट वगैरह है और क्या जो प्राकृतिक गैस कोयला वगैरह इन सबको देखेंगे तो एक एक कर शुरुआत करते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो ये कहता है कि मिनरल्स <coughs> के बारे में कि राजस्थान में खूब प्रकार के खनिज मिलते हैं कितने प्रकार के तो वो कहता है कि 81 टाइप्स के खनिज अभी राजस्थान में करंटली अवेलेबल है जिनको हमने खोज के रखा है जिनको हमने खोज में, में रखा है जैसे तेल है कोयला है डोलोमाइट है वगैरह बहुत सारे ऐसे खनिज हमने खोज के रखे लेकिन अभी फिलहाल हम उत्पादन जो कर रहे हैं जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो केवल सत्तावन खनिजों का ही उत्पादन कर रहे हैं यानी कि जैसे कहते तो हैं ना कि इक्यासी तो खोज कर रखे और सतावन को निकाल रहे और उनको बेच रहे उनको बेच रहे तो सतावन का उत्पादन कर रहे कुछ खनिज ऐसे हैं, हैं जिनमें जिसके हम सोल प्रोड्यूसर है सोल प्रोड्यूसर का केवल राजस्थान में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं जैसे एक है सीसा एक है जस्ता जस्तायस एक है सेलेनोनॉइट और एक है वोलेस्टोनोइट ये चार खनिज ऐसे हैं जिसके पूरे इंडिया में एकमात्र सोल प्रोड्यूसर हम हैं अभी फिलहाल के लिए ऐसा हो सकता है कि आज के पांच साल बाद में आज के पांच साल बाद में मध्य प्रदेश में वोलेस्ट्रोनॉइट मिले ये हो सकता है या आज भी हो लेकिन वो उसका उत्पादन नहीं कर रहा है आज एकमात्र उत्पादक अगर है तो हम सीसा जस्ता जस्ताय सेलेनोइड और वोलेस्ट्रोनॉइड ये जो खनिज है इसके एकमात्र उत्पादक है चांदी कैलसाइड और जिप्सम का लगभग लगभग जो है हंड्रेड उत्पादन हम करते हैं लेकिन दूसरे किसी राज्य में भी होता है यह कहने का मतलब यह है कि कि यानी हम जो ये एक दो तीन चार पांच छह सात सात खनिज ऐसे हैं जिसमें हम नंबर वन स्थान पर है राजस्थान में ठीक है ना कि कुछ खनिज तो ऐसे हैं जिनका एकमात्र ही उत्पादन हम करते हैं हमारे अलावा कोई उत्पादन करता ही नहीं है तो कोई करता ही नहीं है तो हम उन खनिजों में सब में प्रथम स्थान पर होंगे तो सीसा जस्ता एक और पे तो हम नंबर वन पर है ही और हम एकमात्र उत्पादक है ठीक है ना कहते ना कि भाई ये घड़ी केवल मेरे पास में ही है और कहीं मिलती ही नहीं है ये घड़ी जो है मान लीजिए घड़ी है या मैं कहूँगी ये मोबाइल जो है ये मेरे पास में ही है और कहीं मिलता ही नहीं है तो इसका मतलब नंबर वन पर मैं ही हूं मिलता ही नहीं है या मिलता है या बना नहीं है, बनाना, बनाना आता है लेकिन वो उन्होंने आज तक बनाया नहीं है बनाया नहीं है अभी तक मेरे पास में ही है तो नंबर वन पर हो ठीक है अभी मैं नंबर वन पर हो लेकिन मान लीजिए कि ये तो मैंने मोबाइल की बात की लेकिन मैंने कहा कि जैसे ये घड़ी है ये फिलहाल सबसे ज्यादा घड़ी अभी ये मेरे पास में दूसरे पास में भी होगी लेकिन मेरे पास में सबसे ज्यादा है तो इसमें भी नंबर वन पर हो गया कि दूसरे के पास में भी घड़ी है लेकिन इसी प्रकार की घड़ी सबसे ज्यादा मेरे पास में है तो पूरा उत्पादन मतलब दूसरों राज्यों में भी उत्पादन होता है लेकिन सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं तो सात खनिजों में तो हम नंबर वन स्थान पर है यह तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमने इतने करोड़ का राजस्व हमने प्राप्त किया ठीक है ये सारी चीजें राजस्थान में खनिजों के उत्पादन करने के लिए राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड कंपनी की स्थापना की है राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स कंपनी जिसका हेडक्वार्टर उदयपुर में है में की गई है इसका मुख्य रूप से काम यह है कि खनिजों की मार्केटिंग कैसे की जाए खनिजों का विपणन कैसे की जाए खनिजों का एक्सप्लोरेशन यानी कि उसका अन्वेषण वैज्ञानिक तरीके से कैसे हो और किस प्रकार से हम कोस्ट इफेक्टिव तकनीक जो है लागत प्रभावी तकनीक का हम उपयोग उप करें ठीक है ना तेल का मैं बाद में बताऊंगा तेल का मैं बाद में बताऊंगा जब तेल को शुरू करूंगा सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं धात्विक खनिजों के बारे में जो आपके मेटालिक मिनरल्स है उनके बारे में बात करेंगे मेटालिक मिनरल्स की बात करें धात्विक खनिज तो धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं एक ऐसे जो आयरन वाले होते हैं और एक ऐसे जो नॉन आयरन वाले कहते हैं कुल मिला के लो खनिज और अहलोक खनिज को कभी मत याद रखिएगा कोई मतलब नहीं है इनका याद रखना का केवल इतना याद रखिए कि धात्विक खनिज कौन से होते हैं मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं जैसे लोहा है मैंगनीज है टंगस्टन है क्रोमाइट है निकिल है तांबा है सीसा जस्ता है चांदी है सोना है बॉक्साइट है 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 मेंसेनाइट है है रांगा है यानी टीन है ये सारे किस्में आएंगे धात्विक खनिज में आते हैं मेटालिक खनिज में आते हैं अब राजस्थान में कौन कौन से खनिज धात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं क्योंकि ये इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है आर एस में आपसे एक दस नंबर का सवाल ऐसा पूछे कि राजस्थान में जो है राजस्थान में राजस्थान के किनी पांच या दस धात्विक खनिजों का और उनके क्षेत्रों का उल्लेख करें राजस्थान के किनी दस मेटालिक खनिज और उनके क्षेत्रों का उल्लेख करें तो आपके पास में ऐसा ये होना चाहिए कि चलो सर मेटालिक खनिज का पूछा इसका मतलब मेटालिक खनिज में इन इनका उल्लेख करेंगे लोहा मैंगनीज वगैरह इनका उल्लेख करेंगे सबसे पहला मेटालिक खनिज देखते हैं लोहा लोहा देखिए लोहा ये जो आयरन है आयरन लोहा वैसे तो आप देखोगे तो लोहा हमेशा वहां मिलता है जहां पर आग्न चट्टाने होती है लोहा हमेशा वहां मिलता है जहां पर आग्न चट्टाने मिलती है जैसे अगर भारत की बात करोगे ना लोहा लोहा क्या होता है कि लोहा एक भारी धातु होता है लोहा काफी हैवी होता है है ना लोहा काफी हैवी होता है और लोहा क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये पृथ्वी है पृथ्वी के अंदर जैसे आप देखोगे तो ये दुर्बल मंडल है दुर्बल मंडल के ऊपर जो है ये बहुत सारी जो प्लेटें हैं प्लेटें वो इसके ऊपर घूम रही है है ना प्लेटें इस तरफ घूम रही है एक तरफ इसी दुर्बल यहां पर जो है मैग्मा भी है खूब सारा अब यहां पर धरती के अंदर जैसे आप कहते हो सियाल है सीयाल, ना सियाल सीमा एंड निफे है ना निफे यानी कि पृथ्वी के अंदर फेरस भी है कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर फेरस भी है अब ये पृथ्वी के अंदर का फेरस बाहर कैसे आता है फेरस यानी लोहा बाहर कैसे आता है जब भी ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी क्रिया में पृथ्वी के नीचे का जो फेरस होता है यानी लोहा है वो बाहर आ जाता है बाहर आता है और यहाँ पर ठंडा हो जाता है ठंडा हो गया ठंडा हो गया तो एक रॉक बन गई एक चट्टान बन गई आप क्या कहते हो इग्निस आग्ने चट्टान कहते हैं चट्टान और लोहा इसलिए बच पाता है आग्ने चट्टान में क्योंकि लोहा भारी है और लोहा को आप जला भी दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा वो लोहा ही रहेगा उल्टा जला के आप उसको नया फॉर्म दे सकते हैं जैसे लोहा ठंडा हो गया तो थोड़ा वो उसमें रवे बन गए लोहा अगर गर्म है तो उसको आप मोल्ड कर सकते हो अपने अनुसार तो पृथ्वी के नीचे का लोहा बाहर आ जाता है यानी कि जहां पर भी आग्नि चट्टाने मिलती है वहां पर लोहा मिलने की संभावना ज्यादा होती है अगर आप भारत में देखोगे अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में अगर आप आपको लोहा जो दिखाई देगा जैसे एक यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं धारवाड कर्नाटका वाले एरिया में धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो इग्निशी चट्टाने हैं यहाँ पर आप देखोगे तो लोहे के खूब सारे क्षेत्र मिलेंगे जैसे आपने हॉस्पेट का नाम सुना होगा हॉस्पेट में खूब सारा लोहा मिलता है कर्नाटक में आपने बाबा बुदन की पहाड़ी सुनी होगी है ना बाबा बुद्धन की पहाड़ी में खूब सारा लोहा मिलता है कर्नाटक में आपने कुदरे मुख का नाम सुना होगा कुदरे मुख में खूब सारा लोहा मिलता है कर्नाटक में आपने बेल्लारी का नाम सुना होगा बिल्लारी में खूब सारा लोहा मिलता है है ना ये क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो डेक्कन प्लेटू है लगभग ये वाला भाग ये डेक्कन प्लेटू है छोटा नागपुर प्लेटू के थोड़ा इस तरफ वाला भाग आप देखो ये जो डेक्कन प्लेटू ये किससे बना हुआ है डेक्कन प्लेटू दक्कन का पठार दक्कन का पठार किससे बना हुआ है दरारी उद्भेदन दरारी जो इरप्शन होता है ना एकदम वॉल्केनो इरप्शन यहां पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ है यहां पर इंग्लिश से तो छाने पर खूब सारी अब कुद्रे मुख्य हॉस्पेट है, है बाबा बुधन की पटार है बिलारी या चमंगलूर है नाम सुना होगा आपने चिक मंगलूर है इसलिए यहाँ पर लोहा मिलता है इसी लोहे से इस्पात बनाने के लिए इस्पात बनाने के लिए आपने यहाँ पर विस्को नाम की कंपनी का भारत सरकार ने स्थापना की थी विश्वसरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी फिर आपको लोहा मिलेगा थोड़ा इस वाले रीजन में छोटा नागपुर प्लेट के थोड़ा नीचे छोटा नागपुर प्लेट में कोयला मिलता है यहां पर कोयला क्यों मिलता है छोटा नागपुर की प्लेट यहाँ पर कोयला भी मिलता है और उसके नीचे वाले भाग में लोहा भी मिलता है छोटा नागपुर प्लेट में कोयला यहाँ इसलिए मिलता है कोयला इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर नदिया है नदिया है ठीक है नदिया बहती है नदिया है इसका मतलब वाटर है वाटर है एंड क्या है फॉसिल्स है तो जो ऊपर वाला भाग है जहां पर नदियां बहती है वहां पर तो खूब सारा कोल कोल मिलता है जैसे झरिया है रानीगंज है आपने नाम सुना होगा और नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर जैसे बोकारो झारखंड में एक जगह बोकारो वहां से खूब सारा लोहा मिलता है जैसे यहाँ पर है दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ में एक खान है दिल्ली राजरा पर आपको लोहा मिलेगा तो मेरे कहने का मतलब है कि आग्ने चट्टाने होती है वहां पर लोहा मिलता है लोहे की खाने होती है राजस्थान में भी देखो राजस्थान में जैसे आप आप देखो जयपुर में एक जगह है मोरिजा बनोला डोसा में है नीमना रायसेला अलवर में है कुशलगढ़ ठीक है और झुंझुनू में है डाबडा सिंगाना और सीकर में है नीम का थाना आप देखो मैं आपको मैप से समझाऊंगा आप राजस्थान में अगर लोहे को देखना चाहते हो ना लोहे को याद रखना चाहते हो तो जयपुर को सेंटर में रखो और जयपुर के सराउंडिंग एरिया में सीकर जाओ झुंझुनू जाओ अलवर जाओ ये एक बेल्ट जो है और दोसा ये बेल्ट में लोहा मिलेगा और एक बेल्ट आपको ये मिलेगा उदयपुर वाला बेल्ट ये वाला बेल्ट राजस्थान में लोहे के दो बेल्ट है एक तो जयपुर और जयपुर के सराउंडिंग एरिया के जो जिले है जयपुर दोसा अलवर सीकर और झुंझुनू

है ना अलवर में है कुशलगढ़ कुशलगढ़ ठिकाना भी था अलवर में ठीक है सीकर में है नीम का थाना और झुंझु में है डाबला सिंगाना जह, जहां पर अरावली राजस्थान में समाप्त मानी जाती है ये वो बेल्ट है यह पांच जिलों का बेल्ट है यहां पर आपको लोहा मिलेगा अच्छा खासा लोहा मिलेगा क्योंकि यह आग्ने चट्टान है और अरावली के मैंने कहा ना कि लोहा इस तरफ नहीं मिलेगा देखो लोहा जो है ये लास्ट सीकर झुंझु लोहा इस तरफ नहीं मिलेगा वेस्टर्न भाग में नहीं मिलेगा लॉजिक समझ में आ रहा है कि न लोहा जो है वो आपको इधर जाओगे तो नहीं मिलेगा वेस्टर्न भाग में क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक वाला एरिया जटानों वाला एरिया है आरामली के इस तरफ मिल सकता है आने वाले समय में टोंक में भी मिल जाए एक पट्टी आपको मिल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है करोली में भी मिल जाए कोई दिक्कत वाली मिल जाए लेकिन अरावली के वेस्टर्न भाग में मिलेगा अरावली और ये ये सब जो बनी है ये इग्निश रॉक से बनी हुई चट्टाने हैं रॉक से बना हुआ ये भाग है ठीक है ना उदयपुर में जाओगे तो उदयपुर में भी लोहे के कई क्षेत्र है जैसे थूर एक जगह है एक गांव है हुडेर एक गांव है नाथराराल जो है ये एक गांव है पाल भीलो में कहते हैं पाल ठीक है ना गावों की बस्ती को पाल कहते हैं गावों की बस्ती को पाल कहते हैं गावों की बस्ती को क्या कहते हैं पाल कहते हैं एग्जाम तो कब तक तो हो सकता है कुछ नहीं कह सकते एग्जाम कब तक तो होगा ऑफिशियली तो नहीं कहा जा सकता राजस्थान में कि एग्जाम कब तक तो होगा है ना <laughs> तो लोहा के बारे में ये ध्यान में रखना है आपको कि राजस्थान में लोहा कहा मिलेगा एक मेटालिक जो है एक मेटालिक खनिज है ठीक है तो ये बेल्ट ऐसे ही दिमाग में रखिएगा और जब आप अभी जैसे आप नोट्स बना रहे हो ना साथ में तो नोट्स बना रहे हो तो उसमें क्या करो मैप बनाओ मैप बनाओ ठीक है मैप बनाओ और लिखो अभी नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे नोट्स बना रहा है कोई अभी मुझे बताओ कोई नोट्स बना रहे हैं जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहाँ पर लिखने का टाइम दे देता तो हूँ आपको अभी आइडिया मैं कहूँ धीरज तो आइडिया तो तीन एक महीने में तो मतलब फॉर्म भरे जाने चाहिए चार एक महीने में एग्जाम होना चाहिए चार पाँच महीने में नोट्स बना रहे कौन कौन नोट्स बना रहे प्लस के स्टूडेंट्स एक बार मुझे बता दो तो मैं आपको लिखने का टाइम दे, दे देता हूँ हाँ दे सकते हैं सेकंड ईयर अगर पूरा हो गया दे सकते हैं ना दे सकते हैं ठीक है तो देखो ये आप फटाफट में मैप ड्रॉ कर लो इसका फटाफट में मैप ड्रॉ कर लो और जिन्होंने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लो ठीक है ना रिकॉल कर लो ये फटाफट में मैप ड्रॉ करो लोहे का ठीक है ना लोहे का फटाफट में एकदम मतलब एक मिनट भी नहीं लगना चाहिए फटाफट में मैप ड्रो करो आप बनाओ अगर आप इंस्टेंट करोगे रब कॉपी में भी करोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी ठीक है थीके? याद करने में जयपुर में मोरिजा बनोला नीमला रायसेला दोसा में अलवर में कुशलगढ़ झुंझुनू में डाबड़ा सिंगाना सिकर में नीम का थाना और उदयपुर में थूर हुंडेर और नाथरा की पाल ये लोहे लोहे के लिए बड़ा उपयोगी है ठीक है राजस्थान में राजस्थान में देखो राजस्थान में बीमार अपन कहते हैं अब राजस्थान में इतना अच्छा खासा लोहा मिलता है राजस्थान में इतना अच्छा खासा लोहा मिलता है लेकिन राजस्थान में लोहे से इस्पात बनाने का कारखाना नहीं है समझ लो जैसे टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी आ, है कंपनी। ना विस्को है है आयरन एंड स्टील कंपनी ठीक ना फिर आप देखो तो और भी बहुत सारी बनपुर कुलटी वाले इधर जो है बहुत सारी कंपनी जैसे बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी है विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील कंपनी है बहुत सारी कंपनी है जो लोहा लोहे से क्या बना रही है लोहे से स्टील बना रही है लोहे में आप क्या डाल दो थोड़ा निकिल और क्रोमियम डाल दो भाई लोहे में क्या डाल दो निकिल और क्रोमियम डाल दो निकिल और क्रोमियम डाल दो के वो स्टील बन जाएगा स्टेनलेस स्टील अपने घर में जो स्टील के ग्लास में अपन पानी पीते हैं घर में जो थाली आती है स्टील की है ना तो वो जो है आ, अपन जो है आ, वो करते ऐसा राजस्थान में होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसा प्लांट हो बहुत बड़ा रोजगार भी मिलेगा और लोहे की जो है लोहे से जो है इस्पात भी बन जाएगा ठीक है तो ये लोहे वाला आपको थोड़ा ध्यान में रखना है पूछा जा सकता है <laughs> आगे देखिए अगला खनिज देखिए शीसा जस्ता अब देखिए एक मैं आपको कॉमन सेंस देने की कोशिश करूंगा सीसा जस्ता और चांदी ये तीन खनिज ऐसे हैं जो एक ही जगह मिलते हैं सीसा गैलेना जिंक एंड चांदी ठीक है ना हमेशा ऐसा एक बेल्ट होगा जहां पर शीशा मिलेगा जहां पर शीशा मिलेगा वहां पर जस्ता मिलेगा वहीं पर जस्ता मिलेगा जहां पर जस्ता मिलेगा वहीं पर चांदी मिलेगी यानी कि तीन खनिज एक ही एक ही जगह में आपके कंप्लीट हो जाएंगे देखो ये जैसे ये मान लीजिए कि ये एक कच्चा जमीन से निकला है एक कच्चा पत्थर है अब इस कच्चे पत्थर में थोड़ी मात्रा चांदी की भी है थोड़ी मात्रा शीशे की भी है और थोड़ी मात्रा जस्ते की भी है थोड़ी मात्रा चांदी की भी है थोड़ी मात्रा शीशे की भी है थोड़ी मात्रा जस्ते की भी है अब ये जैसे पत्थर लैब में लाया गया अब इस लैब में लाया गया तो अब मान लीजिए कि इससे क्या निकालना है जैसे अपन क्या करेंगे कि इसमें वैज्ञानिक जो भाई ये काम करते हो उन ये देखेंगे कि अच्छा ये पत्थर है इस ये मान लीजिए इस पत्थर में वो कह अरे इस पत्थर में जब हमने देखा तो सेवनटी चांदी है इसमें इस पत्थर में सेवेंटी चांदी है बीस जस्ता है और दस परसेंट है तो ये काम करते हैं इससे चांदी निकालते हैं क्योंकि चांदी की मात्रा ज्यादा है सीधी सी बात है कई और एक पत्थर निकाला तो उसमें देखा कि सत्तर परसेंट जो है वो सीशा है दस परसेंट चांदी है और दस परसेंट जस्ता है तो उसमें क्या कहेंगे कि भाई ये इसमें से हम जस्ता निकालेंगे क्योंकि हर एक पत्थर में से अलग अलग करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन खाने एक जगह ही मिलेगी खाने एक मिले जैसे शीशा जस्ता देखो शीशा जस्ता की खाने कहा मिलेगी मैं आपको केवल अभी अभी मैं लिखवाऊंगा सीशा जस्ता देखिए सीशा जस्ता भिलवाड़ा में रामपुर आगू चा खान है यहाँ पर शीशा भी मिलता है जस्ता भी मिलता है ठीक है ना शीशा भी मिलता है जस्ता भी मिलता है जैसे यहीं पर यहीं पर आप देखो ये देखो खाने या लिखे हुए रामपुरा आगुचा ठीक है बिलवाड़ा में सीसा भी मिलता है, भी मिलता मिलता है है जस्ता उदयपुर में जावर और देबारी सीसा भी मिलता है जस्ता भी मिलता है यही जावर देबारी है जहां पर चांदी भी मिलती है चांदी भी मिलती है है ना राजपुरा दरीबा राजपुरा दरीबा राजसमंद में सीसा भी मिलता है जस्ता भी मिलता है लेकिन कोई के चांदी मिलती है चांदी भी मिलती है भाई ये ये प्रकृति की एक ब्यूटी है कि जहां से सीसा मिलेगा वहां से चांदी भी मिलेगी और वहां से जस्ता भी मिलेगा समझ लो एक पत्थर अगर जमीन से निकाले इस एरिया में तो सीसा भी मिलेगा चांदी भी मिलेगा जस्ता भी मिलेगा अब इसमें जावर से जब जावर से जब हम निकालते हैं ना जावर देवारी से जब हम पत्थर निकालते हैं तो इसमें चांदी की इंटेंसिटी या चांदी की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए वहां से हम चांदी को निकालना पसंद करते हैं उसको शुद्ध करने के बाद में तो देखो सीसा जस्ता और चांदी जैसे अभी मैं चांदी पढ़ाऊंगा है ना ये चांदी तो चांदी में भी देखो चांदी, सीसा जस्ता के साथ निकलता है। खान में फिर वही देखो जावर खान उदयपुर की रामपुर तो के लिए एक ही, ही एरिया एक एक में रामपुर आगुचा है उदयपुर में जावर देवारी है और रा, राजसमंद में राजपुरा दरिबा देखो तीन जिले याद रखने तीन खनिजों के लिए तीन जिले मुख्य रूप से ठीक है सीसा जस्ता और चांदी इन तीनों खनिजों के लिए तीन जिले याद रखने हैं सबसे पहले जिला आप देखो बीच वाला जिला जो है ना ये भिलवाड़ा भिलवाड़ा याद देखो एक बेल्ट है यहाँ पर ये भिलवाड़ा अब ये काम ये ये कौन से चट्टान है यहाँ पर हिग्निशेष राव आग् चट्टान ज्वालामुखी से ये पृथ्वी से बाहर आए हैं शीशा भी पृथ्वी से बाहर आया है जस्ता भी पृथ्वी से बाहर आए चांदी से और इन तीनों को फर्क नहीं पड़ता अगर आप आग में रख भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ना वो ठंडा हो जाएगा फिर वो चांदी बन जाएगी ठीक है ना तो भिलवाड़ा है भिलवाड़ा देखो सेंटर में आपने भिलवाड़ा लिया भिलवाड़ा के पास में इधर राजसमंद जिला है राजसमंद के पास में यहां पर देखो तो उदयपुर जिला है है ये बेल्ट और एक यहां पर है थोड़ा स्वाई माधुपुर। थोड़ा दूर है थोड़ा थोड़ा सवाई सवाई माधोपुर माधोपुर दूर पर एक जगह चौथ का बरवाड़ा यहां पर तीन खनिजों के लिए एक तो ये तीन जिले याद रखिए एकदम बेल्ट है यहां पर भिलवाड़ा राजसमन उदयपुर एक तो ये बेल्ट है भिलवाड़ा राजसमंद उदयपुर का बेल्ट है भिलवाड़ा में एक जगह है जहां से सीसा जस्ता और चांदी निकाली जाती है उसका नाम है रामपुरा आगुचा रामपुरा आगुचा क्या नाम है रामपुरा आगुचा ठीक है आगुचा भिलवाड़ा के पास में राजसमंद है राजसमंद में भी एक खान है उसका नाम है राजपुरा दरिबा राजसमंद से राजपुरा राजपुरा दरीबा ठीक है क्या नाम है राजपुरा राजपुरा दरीबा इसके पास में उदयपुर है उदयपुर में एक खान है जावर देवारी जावर देबारी देवारी समझौता याद है कि नहीं है आपको हिस्ट्री में जावर देबारी अब इसमें आपसे एक पूछे एग्जामिनर पहले कि भाई सबसे अब देखो यहां पर जो इन तीनों में कौन कौन से तीन खनिज मिलते हैं और स्वयं माधवपुर में एक जगह है चौथ का बरवाड़ा चौथ का बरवाड़ा चौथ का बरवाड़ा अब एग्जामिनर कभी आपसे पूछे कि सीसा जस्ता और चांदी कहां मिलते हैं मैं इसमें सवाल आए तो यही है सीसा कहां मिलता है यही है चांदी कहा मिलता है यही है जस्ता कहां मिलता है यही है सारे क्षेत्र लेकिन इसमें अगर एग्जामिनर ऐसे पूछे कि एक याद रखना इसमें से जो लॉजिकली थोड़ा बनेगा कि इसमें से चांदी हम ज्यादा कहां निकालते हैं तो जावर दीवारी है ये ये जो है चांदी के लिए बड़ा जो ये फेमस है यहां से चांदी की मात्रा जहां जावर दीवारी से जो पत्थर निकाले जाते हैं ना तो उसमें चांदी की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा है ठीक है ना तो जावर दीवारी से हम क्या करते हैं जावर दीवारी से हम चांदी निकालते हैं तो ये मैप आप आपको याद रखना है और ये बेल्ट याद रखना है जैसे लोहे में ऊपर वाले चार डिस्ट्रिक्ट का बेल्ट याद किया था ना नीचे उदयपुर वाले में तो तीन चार खनिज आपके हो गए यही आपके चार खनिज निपट गए ठीक है ना ये ध्यान में रखना है फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जैसे आप वो पढ़ते हैं कि भाई आप जो पढ़ते हो ना कि सर जैसे सीसा जस्ता और चांदी में आप पढ़ते हैं कि गैलेना सीसा का और जस्ता का यश ये, ये आप देख लीजिएगा नोट्स में देबारी में मोचिया मगरा खान से सीसा जस्ता निकाला जाता है उन्नीस में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई थी फिर इसको वेदांता समूह ने इसका ग्रहण कर लिया था एशिया का सबसे बड़ा जिंक मेटल प्लांट जो है वो इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थापित किया गया है ये नोट्स दिए हैं आप देख लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी ये मुझे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं ज्यादा ठीक है ना इसका कोई मतलब है नहीं ठीक है मुख्य रूप से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है आर वालों को तो ऐसा पूछा जाता है जैसे लिख लेंगे यहाँ पर रामपुरा आगुचा फिर यहाँ पर लिख लेंगे रामपुरा आगुचा के आगे राजसमंद लिख लेंगे ठीक है फिर राजपुरा दरीबा के आगे तो राजपुरा दरिबा के आगे भिलवाड़ा लिख लेंगे फिर पूछेंगे कि कौन सा चांदी का भी यही है चांदी, जावर में और भिलवाड़ा में रामपुर आगुछा में यही पर चांदी निकाली जाती है सीसा जस्ता के साथ में ही चांदी निकाली जाती है ठीक है तो ये खनिज आपका हो गया आगे देखिए तांबा ये ऐसा होता है तांबा तांबा कॉपर तांबा देखिए तो तांबा जो है ये भी इग्निस रॉक्स में मिलेगा आग्ने चट्टानों का खनिज है आग से धरती से बाहर निकला है विश्व में तांबा चीली में खूब ज्यादा उत्पादित किया जाता है तांबा वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी खूब ज्यादा निकलता है उड़ीसा में भी तांबा खूब ज्यादा निकलता है है ना आग्ने चट्टाने वहां पर यहां पर तांबा खूब सारा निकलेगा एमपी में तांबा की खूब सारी बेल्ट है उसको हम देखेंगे राजस्थान में तांबा कहां पर निकलेगा आप देखिए राजस्थान में तांबा की तांबा का बेल्ट देखिए झुंझुनू अलवर ऊपर वाला झुंझुनू और अलवर ऊपर वाला भीलवाड़ा उदयपुर राजसमंद और सिरोही नीचे वाला ठीक है अब देखो इसको याद करने का तरीका झुंझुनू और अलवर की तरफ जाओगे और थोड़ा बहुत सीकर की तरफ जाओगे तो यहां पर आपने गणेश्वर सभ्यता का नाम सुना होगा है ना आपने सुना होगा गणेश्वर सिविलाइजेशन जो एक कैसी थी कॉपर एज वाली सिविलाइजेशन थी एक ताम्रपाचनिक संस्कृति थी आप पढ़ते ना ताम्रपाचनिक यानी कि उस समय वहां के लोग तांबा निकालते थे आज भी तांबा धरती तो वही है भाई एज बदला है लेकिन नीचे का तो वही है ना फॉर्मेशन नीचे का फॉर्मेशन तो चेंज नहीं हुआ है समय के साथ इतना जल्दी चेंज नहीं होता है तो तांबा आज भी लॉजिकली वही मिलेगा फिर नीचे आप देखोगे उदयपुर वाले रीजन में यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर आहर सभ्यता थी यहाँ पर गिलुंड सभ्यता थी राजसमंद में आपने नाम सुना होगा आहंड गिलुंड सभ्यता सुनी होगी ये कैसी थी ये भी कॉपर एज वाली थी

सिरोई में देलवाड़ा किरोवली और भिलवाड़ा में देवतलाई और पूर्वे के लिए आपको आहर में जाना है, में जाओ। उदेपुर। उदेपुर के बेल्ट है, के अगला जिला जिला भिलवाड़ा और उदयपुर के इधर सिरोई ये देखो ये बेल्ट मिल गया एक तो ये बेल्ट मिल गया भाई आठ सभ्यता इसी सराउंडिंग एरिया में थी आहार और राजसमंद में गिलुंड के आसपास वाला एरिया यही था ऊपर आप जाओगे तो ये देखो अलवर आपका अलवर ये झुंझुनू और ये आपका सिकर ठीक है ना ये वाला जहां पर गणेश्वर सभ्यता का बेल्ट था थोड़ा बड़ा ठीक है तो आप देखिए <coughs> अलवर में अलवर में एक एरिया खो दरीबा है ना सीकर में आपने नाम सुना होगा नीम का थाना और सीकर में आपने नाम सुना होगा गणेश्वर झुंझुनू में आपने खेतड़ी का नाम सुना होगा यही बेल्ट है भाई यही बेल्ट है जहां पर यहां पर वो नदी बैठी थी तोरावटी नदी का क्षेत्र है ना तो कांतली नदी कांतली नदी के बेल्ट में जो है ये जो अपनी सभ्यता का विकास हुआ था तो तांबा भी यही था कॉपर एज था तो तांबा भी आपको यही मिलेगा ऊपर वाले रीजन में ठीक है झुंझुनू में खेतड़ी वाला रीजन है सीकर में नीम का थाना है गणेश्वर है है ना इस वाले रीजन में फिर आप देखो तो अलवर में खोद रिबा वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको तांबा वाला बेल्ट मिलेगा एक तो तांबा वाला बेल्ट ये मिलेगा क्योंकि यहाँ ताम्रपाशनिक संस्कृति और नीचे तांबा अवेलेबल था एक नीचे मिलेगा यहाँ पर ठीक है यहाँ पर उदयपुर में जो आप आहड़ कहते हैं आहड़ आहड़ जो आयड़ नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता है ना उसी का आज का नाम है अंजनी सुलूम्बर ऐसा याद रखिए अंजनी सुलूम्बर सुलूम्बर एक ठिकाना था याद होगा इसी सुल्बर ठिकाने के एक राजकुमार थे शायद और जिनका विवाह हाड़ी रानी सहल कवर से हुआ था और जब वो रतन सिंह जी सुल्बर ठिकाने के राजा थे रतन सिंह जी जिनका विवाह हुआ था हाड़ी रानी हाड़ी रानी सेल कवर से शादी हुई थी और अचानक से जो है सुलंबर के जो ठिकाने थे रतन ठिकाने दार रतन सिंह जी उनको ये आदेश हुआ कि भाई मेवाड़ के महाराणा ने आदेश दिया कि युद्ध करना है उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए गए थे तो उनका मन विचलित हो रहा था अभी भी शादी की थी तो सहल कवर ने हाड़ी रानी ने अपना सर काट के दे दिया था न्यू चावर के रूप में जिसकी ये पूरी जो एक त्याग वाली जो कहानी है इसकी जो इसका जो उल्लेख है मेघराज मुकुल साहब अपनी मुकुलताब है सेनानी में उल्लेख करते हैं आपने पढ़ा होगा सेनानी में जो है इसका उल्लेख करते हैं ठीक है ना सेनानी में उल्लेख करते हैं मेघराज मुकुल साहब यही वो जो है सुलंबट ठिकाना यही वो सुलुम्बट ठिकाना और कोठारिया ठिकाना जिन्होंने अठारह की क्रांति में मेवाड़ महाराणा के आदेश को पालने से मना कर दिया था कोठारिया के ज्योत सिंह जी वही ज्योत सिंह जी जिसमें आवा के जो कुशाल सिंह जी थे जब जब वो वहां से भाग कर निकले थे तो कोठारिया के जोत सिंह जी के पास में ही गए थे तो यही वो ठिकाना है जहां पर आ, वो आय नदी के बेल्ट में ही आता है जहां पर पहले सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन जी तो जो आपकी कॉपर एज वाली थी इसको एक तो ध्यान में रखना ठीक है ना एक तो ये अंजनी सुलूम्बर ठीक है ना ध्यान में रखिएगा एक आपका राजसमंद में है रेल मगरा और भिलवाड़ा में पूर्व दरीबा और देवतलाई ठीक है ना राजसमंद में है रेल मगरा राजसंबंध में है रेल मगरा राजसमंद में अगर आपको याद हो तो एक सभ्यता थी गिलुंड सभ्यता याद है कि नहीं आपने पढ़ा होगा गिलुंड कोठारी नदी के किनारे कोठारी रिवर के किनारे गिलुंड सभ्यता आपने पढ़ा होगा जो एक ताम्रपाशनिक संस्कृति थी है ना राजसमंद में रेल मगरा भिलवाड़ा में एक जगह है पूर दरीबा लोहे का पूर दरीबा, पूर दरीबा और देवतलाई दरिबा और देवतलाई और देवतलाई तो ये मुख्य रूप से आपको तांबे के वहां पर देखो चीजें कैसे याद रहेगी आपको चीजों को या तो बार बार देखना है या फिर आपको कहीं ना कहीं उसको किसी से किसी ना किसी तरीके से उनको कनेक्ट करना है ताकि चीजें आपको आसानी से याद रह सके तो थोड़ा इस तरीके से आप बेल्ट के रूप में याद रहोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी सिरोई में फिर एक है किरोवाली ये कुछ एरिया है जो आपके तांबे के हैं कॉपर के हैं देखो झुंझुनू में है खेतरी अलवर में है खोद दरीबा और भगवोनी भिलवाड़ा में है पूर दरीबा और देवतलाई उदयपुर में है अंजनी सुल्बर राजसमंद रेलमगरा में है और सिरोई में देलवाड़ा किरोली है और सीकर नहीं लिखा है यहाँ पर सीकर का मैंने उल्लेख कर दिया है सीकर में नीम का थाना और गणेश्वर आई होप आपको ये याद हुआ होगा ठीक है आई होप आपको ये याद हुआ होगा तो ये पॉपर के बारे में आपको याद रखना है अब मुझे अचानक से मैं आपसे पूछू मैं आपसे पूछू की बताइए सीसा, जस्ता और चांदी कहाँ मिलेगा आप बताओ जरा डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीसा जस्ता और चांदी कहाँ मिलेगा बताओ जरा एक बार बताओ रिकॉल कीजिएगा रिजल्ट रिकॉल कीजिए थोड़ा है ना सीसा जस्ता और चांदी कहाँ मिलेगा करो रिकॉल नमस्ते नमस्ते सीसा जस्ता और चांदी का मिलेगा रिकॉल करो एक बार झामर कोटडा में कहां मिलता है सीसा जस्ता और चांदी ये तीनों खनिज एक ही जगह मिलते हैं खानों के नाम भी बताओ खानों के नाम भी बताओ साथ साथ में जावर देबारी उदयपुर ठीक है जावर देवारी उदयपुर ठीक है भिलवाड़ा में कौन सी थी भिलवाड़ा में रामपुरा आगूछा राम, राम भिलवाड़ा है ना, ना? राम राज राज से राजपुरा राज दरिबा राजपुरा दरिबा राज संबंध में आएगा राज संबंध राजपुरा राजपुरा दरिबा राज संबंध में आएगा ठीक है ठीक है सोय माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा ऐसे ही ब्रेन स्टॉम्बिंग करते रहेंगे तो याद रहेगा ठीक है थीके? तो कॉपर के बारे में अगर सवाल आए तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है आपसे पूछा जा सकता है ठीक है कॉपर आगे देखिए सोनाड कहा क्योंकि एक हैवी मेटल है ठीक है ना एक भारी धातु है एक भारी धातु है दुनिया में सोने की खाने वहीं पर हैं जहां पर जैसे आप देखो तो साउथ अफ्रीका में आपने नाम सुना होगा साउथ अफ्रीका में एक जगह है जहाँ पर सोना मिलता है नाम कैसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जहाँ पर क्रिकेट के मैच भी हो रहे हैं सवाईमाधोपुर में एक जगह है बहुत शानदार जगह है जहाँ पर 2013 में फाइनल हुआ था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका की एक जगह है रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ वहां पर सोना खूब मिलता है ठीक है भारत में कर्नाटक में कोलार की खान अब आप देखो कर्नाटक में कोलार की खान में क्यों मिलता है एक तो आपके मन में, में ये आना चाहिए क्योंकि कर्नाटक वाला जो पूरा एरिया है जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने आती है धारवाड़ ये कैसी चट्टाने आग्ने चट्टानों की बनी है एक ऐसे बने हुए इग्नेस इग्निस रॉक है है ना इग्निशिस रॉक है तो जमीन के नीचे का जो मेटल है वो ऊपर आ गया है जो गोल्ड का गोल्ड के पार्टिकल थे जमीन के नीचे थे वो ऊपर आ गए ज्वालामुखी क्रिया के साथ में अब राजस्थान में कहा मिलेगा राजस्थान में सोना कहाँ मिलेगा अरावली के इस तरफ वाले बेल्ट में अरावली के पूर्वी भाग वाले बेल्ट में मिलेगा रेगिस्तान में तो मिलने की संभावना नहीं बनती है क्योंकि वहां पर तो रॉक अवसादी चट्टाने तो वहां तो मिलेगी ही नहीं मिलेगा ही नहीं सोना तो सोना राजस्थान में कहा मिलेगा सोना राजस्थान में बांसवाड़ा में एक जगतपुरा है एक आप देखिए तो बांसवाड़ा में और है आनंदपुर है भूकिया है घाटोल है डूंगरपुर में जो है अमलवा डिगोच है और जयपुर में एक जगह है पंचमऊड़ी और तिमरान माता ये कुछ एरिया है जहां पर गोल्ड की हमने पहचान की है गोल्ड अभी निकाल नहीं रहे राजस्थान में गोल्ड जो है अभी निकाल नहीं रहे मुख्य रूप से अगर आपको एक याद रखना हो जिससे सवाल पूछती है बार 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 आरपीएससी तो वो मैं एक आपको याद रखने के लिए कहूंगा भिलवाड़ा भिलवाड़ा में एक तो आपको याद रखना है भूकिया गोल्ड के लिए भूकिया और जगतपुरा और जगतपुरा बस ये एक जिला याद रखो और उसकी खान याद रखिए क्योंकि आज तक जितने भी बार सवाल पूछा है ना तो उसमें उन्होंने यही पूछा है कि भाई राजस्थान में लो राजस्थान में सोना सर्वाधिक मिला है? मिला है जो ढूंढने के निकाला है वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बांसवाड़ा में एक भुकिया है और एक जगतपुरा है ये एक आपको स्थान सोने के लिए याद रखना चाहिए बाकी के याद रखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इनका अभी तक एग्जाम में उल्लेख कहीं नहीं किया गया है कि पंचमौड़ी तिमरान माता जयपुर इसका उल्लेख नहीं किया गया है हमलवा डिगोच डूंगरपुर इसका भी अब तक जो है इन्होंने कहीं पर सवाल ऐसा नहीं पूछा है जब भी सोने से लेकर सवाल पूछा है तो गोल्ड को लेकर जो सवाल पूछा है वो बांसवाड़ा में जगपुरा और भूकिया देखिए धूल् जो धूल एक जगह है महाराष्ट्र का जिला भी है धूल् सूरत से थोड़ा जाते हैं आप कर्नाटक की तरफ तो धुले एक रेलवे स्टेशन है धुले वहां पर भारत का सोने का जो शुद्धिकरण करने का पहला कारखाना भी है जो आर एस के लिए बिल्कुल नहीं आपको याद रखना है और लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारत में कर्नाटक में जो कोलार की खान है कोलार की खान से हम गोल्ड बहुत ज्यादा निकालते हैं वैसे गोल्ड कई नदियों के पास में भी मिला है जहां पर नीचे पहले इग्निसिस रॉक थी इग्निसिस चट्टाने थी आगने चट्टाने थी और उसके ऊपर से नदियां अगर गुजर रही है तो वहां पर भी सोने के पार्टिकल्स कुछ मिले हैं कई जगह पर जैसे एक स्वर्ण रेखा नदी है जो झारखंड में बहती है, है, है।, वा है सोना नीचे से ही बाहर निकल सकता है आग के साथ में सोना नीचे से आ सकता है ऊपर से सोना कहीं गिर सकता है ठीक है ना या पानी से लकड़ी से सोना कभी नहीं बनने वाला है कि अवसादी चट्टानों में पानी और लकड़ी मिल गई और सोना बन गया नहीं सोना हमेशा नीचे से ही आना पड़ेगा सोने को चांदी को लोहे को तांबे को और नीचे से आएगा तो रॉक बनकर ही आएगा नीचे से आएगा तो वो आग से बनी चट्टानों के साथ में आएगा नीचे से आएगा तो एक ज्वालामुखी क्रिया से ही आएगा ठीक है ना या फिर आपको पता लगा कि यहाँ पर है तो फिर आपको खोदना पड़ेगा ठीक है ना फिर आपको खोदना पड़ेगा ये है तो ये थोड़ा सोने के लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट याद रखिए आप बांसवाड़ा में जगतपुरा या जगपुरा और भूखिया ये याद में रखिएगा ठीक है टंगस्टन टंगस्टन की बात करते हैं टंगस्टन देखिए टंगस्टन एक प्रकार का मेटलिक धातु है टंगस्टन और टंगस्टन जो मिलता है वो आप देखिए तो राजस्थान में टंगस्टन जो मिलेगा एक जगह है नागौर में डेगाना एक पाली में है नाना कराब और एक सिर में है आब, आबू और ठीक है आबू रेवदर और बालदा आबू रेवदर और बालदा एक मिनट जरा मैप कहां पर है मैप बना लेता हूं आबू रेवदर और बालदा ठीक है ना आबू रेवदर और बालदा ये देखिए अगर टंगस्टन की बात करें अगर टंगस्टन की बात करें तो यहां पर नागौर नागौर में है डे गां टसन क्या है टंक्सन जैसे अपने घर में जो लाइट का बल्ब नहीं होता क्या लाइट के बल्ब में जो फिलामेंट होता है यहां पर फिलामेंट होता है फिलामेंट होता है ये जो फिलामेंट बना होता है ना ये ये जो ये टंक्सन का बना होता है ये इसका इसका जो गलनांक होता है गलनांक गलनांक वो काफी हाई होता है इसका मतलब क्या हुआ गलनांक काफी हाई हुआ मतलब गलनांक काफी हाई होता है हाई इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हुआ कि इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर दोगे तब भी जाकर नहीं गलेगा गलनांग का मतलब गलेगा नहीं और कौपनांग का मतलब उबलेगा नहीं ठीक है ना समझ में आके गलनांग मतलब गलेगा नहीं मतलब ये जो अपने बल्ब का फिलामेंट होता है मान लीजिए कि इसको अपन तांबे का बना दे तो तांबे का गलनांग कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता मतलब इसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ गई तो ये गल के टूट जाएगा तो बल्ब अपना अपन कह बल्ब बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया अपन क्या कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया क्योंकि बीच का जो तार है वो गल गया थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की तेज होगी वो गल गया मतलब इसका गलनांक कम था इसलिए वो गल गया लेकिन टंगस्टन वो धातु है जिसका गलनांक काफी हाई होता है बहुत ज्यादा उसमें हीट होगी तब जाकर वो गलेगा तब जाकर ये टूटेगा तो इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वो आपके बल्ब इंडस्ट्री में खूब किया जाता है ये जो है आपका आ, क्या कहेंगे कि जो टंगस्टन है एक तो नागौर में डेगाना की खान है यहां पर खूब मिलेगा डेगाना में देखा नाम है ठीक है ना एक पाली में पाली में यहाँ पर देखो नागौर के पास में देखो ये बेल्ट देखो यूं एकदम लाइन खींचोगे ना तो यूं मिलेगा आपको बेल्ट ये बेल्ट अब ऊपर हमने जिले बना दिए नीचे तो धरती में एक बेल्ट है एक नदी जैसा बेल्ट है नीचे ठीक है ना नदी जैसा बेल्ट आप देखो नागौर पाली और सिरोही एक ही बेल्ट में आएंगे एक ही बेल्ट में आएंगे ऐसे मैप देखोगे तो एक ही बेल्ट में अब ये धरती तो सिंपल सी थी एक जैसी थी ऐसी थी हमने ऊपर ये बनाई ये नागौर बना दिया ये पाली बना दिया ये सिरोही बना दिया ठीक है नागौर बना दिया पाली बना दिया ये तो हमने ऊपर धरती के ऊपर हमने मैप ड्रा किया है लेकिन नीचे तो वही है वो थोड़ी है कि मैं तो नागौर में ही मिलूंगी है ना यहाँ मैं लो मैं खनिज तो बांसवाड़ा में मिलूंगा सोना तो मैं बांसवाड़ा तो में मिलूंगा ऐसा तो है नहीं कि चांदी तो मैं चांदी जो है मैं जावर में मिलूंगी बिकॉज मुझे उदयपुर पसंद है ऐसा तो है ऐसा तो होगा नहीं वो तो हमने ऊपर जो है हमने मैप ड्रॉ कर दिया इस तरीके से हमने पॉलिटिकल मैप हमने ड्रॉ किया है ठीक है हमारे जो लोग थे उन्होंने ड्रा किया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट बनाने चाहिए तो आप देखो बेल्ट यही है देखो आप देखो नागौर नागौर से आप जाओगे तो पाली और पाली से जाओगे तो ये वाला बेल्ट है है ना यहीं पर धरती के नीचे एक बेल्ट है जैसे पानी का बेल्ट नहीं होता नीचे लाठी सीरीज वाला कि नीचे पानी है तो एक ही लाइन में पानी मिलेगा एकदम इसी तरीके से बेल्ट है तो नागौर में आप देखो तो डेगाना नागौर में डेगाना ठीक है पाली में नाना कराब पाली में नाना करा आप। सिरोई में आप आओगे तो सिरोई में एक जगह है रेवदर रेवदर और एक है बालदा एक गांव है बालदा अरावली की पहाड़ी में बालदा और रेवदर भी एक रेवदर एक पंचायत समिति है ठीक है ना पंचायत समिति है ठीक है। हाँ बोलने में ठीक है ना ज्हान जोहबर्ग बिल्कुल सही कहा जॉन्सबर्ग जो है जोहानिसबर्ग जो है उसमें जोहानिसबर्ग की खान है जो वो हीरे के लिए और सोने के लिए बड़ी फेमस है ठीक है ना बहुत वैसे दुनिया में जब जैसे दुनिया के खनिजों को पढ़ते हैं तो सोने के लिए बहुत सारी खनिजें आती है जैसे ऑस्ट्रेलिया में कालगुडी किलगाडी आती है फिर आप देखो तो एक देख, पिलबरा क्षेत्र आता है ब्राजील का ऐसे बहुत सारे एरियाज है जो वर्ल्ड के पहले वर्ल्ड के मिनरल्स थे तो पढ़ाते थे पढ़ते थे अब वर्ल्ड के मिनरल्स नहीं है नहीं तो अपन कैनेडियन है ब्राजीलियन शेल्ट जो है उसमें खनिजों को ढूंढते थे अब तो अगले इंडिया राजस्थान के ही ढूंढने पड़ते हैं ठीक है ना ढूंढने पड़ते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है ये दे, देखो ये बेल्ट टैंक देखो याद कैसे रहेगा आपको पता है जब वहां पर लीग मैं पूछा है कि टन के बारे में पांच नंबर का मेंस में तो क्या करो टंक्शन के बारे में बताओ कि का क्या उपयोग होता है फिर के एरिया कौन से एरिया बताओ ए बी सी डी जो भी एरिया फिर यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाओ ऐसे ऐसे मैप बनाओ फिर इनको बेल्ट के हिसाब से समझाओ बेल्ट की ऐसा एक बेल्ट बनाओ यूं कि टंक्शन के लिए सर ये उनको बताओ बेल्ट है ना ये बेल्ट यहाँ पर बताओ डेगा ये बेल्ट ही तो है पूरा एक बेल्ट ही तो बन रहा है टंक्शन का आप देखो ये टंक्शन का बेल्ट बन गया आप कोई पूछा लोहा कहाँ है तो इतना तो कंफ्यूजन नहीं है कि सर लोहा या तो ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा लोहा या तो ऊपर है या नीचे ठीक है यहाँ यहाँ है तांबा कहाँ सर ऊपर नीचे तांबा दे लोहा कहा है ऊपर नीचे तांबा कहा है ऊपर नीचे. नीचे चांदी कहा है नीचे नीचे यहाँ पर है सोना कहा है बांसवाड़ा बांसवाड़ा में जगपुरा और भूकिया यहाँ पर है ना ये मैं उसमें भिलवाड़ा कर दिया था बांसवाड़ा में जगपुरा और भूकिया यहाँ पर चांदी एकदम नीचे ठीक है ना तो ज्यादातर खनिज आपको इसी बेल्ट में मिलेंगे इस बेल्ट में जो आपके मेटालिक खनिज है ना जो आपके धात्विक खनिज है वो इस बेल्ट में खूब मिलेंगे आपको इस बेल्ट में और इस बेल्ट में खूब मिलेंगे इसी पट्टी में खूब मिलेंगे ठीक है ना तो ये टंक्शन के बारे में सवाल आए तो थो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है टंक्शन के बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी प्रकार का टंक्शन आते ही वो बेल्ट बनाना है आपको ठीक है नागौर एन के नीचे पी आता है नागौर के नीचे पाली आता है और पाली के नीचे सिरोही आता है अगर आप सीधी लाइन खींचते हैं तो नागौर में डेगाना पाली में नाना खराब और सिरोही में आबू रेवदर और बालदा वाला एरिया

अगला खनिज देखिए मैंगनीज <coughs> मैंगनीज मैंगनीज के लिए राजस्थान में नंबर वन मैंगनीज खनिज है डिस्ट्रिक्ट है बांसवाला बांस ठीक है ये देखो मैंगनीज अब मैंगनीज भी कैसा है एक मैंगनीज भी कैसा है आग्ने चट्टानों में मिलने वाला खनिज है इग्निज इस रॉक में मैंगनीज भी धरती के नीचे होता है धरती के नीचे उसको बाहर लाना पड़ता है बाहर कैसे आएगा बाहर आएगा ज्वालामुखी क्रिया से से आया लेकिन राजस्थान में बाहर कहाँ आया राजस्थान में बाहर आया एक एक तो बांसवाड़ा में आया एकमात्र एक जिला जिसके बारे में पूछा जाता है वो तो बांसवाड़ा लीलवाना तलवाड़ा कांसला लोहारिया और तमेसरा अब तक जो सवाल पूछा जितने भी एग्जाम में वो पूछा कि राजस्थान में मैंगनीज में के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से लीलवाना और तलवाड़ा ये दोनों लीलवाड़ा एंड तलवाड़ा ये दोनों पूछे गए आपको कई बार ठीक है ना उदयपुर में देबारी है और राजसमंद में नाथ द्वारा है देखो बांसवाड़ा उदयपुर और राजसमंद, बांसवाड़ा उदयपुर और राजसमंद के लिए <laughs> ये बांसवाड़ा है, है और ये राजसमंद है लेकिन अगर एक याद रखना है बांसवाड़ा को बांसवाड़ा दो खनिजों के लिए मुख्य रूप से माना जाता है बांसवाड़ा एक सोने के लिए गोल्ड के लिए और एक मैंग एक जो है मैंगनीज के लिए मैंगनीज के लिए गोल्ड के लिए खान जो थी वो थी जगपुरा और भूकिया जगपुरा और भूकिया ये गोल्ड के लिए खाने थी तो मैंगनीज के लिए राजस्थान की दो बड़ी खाने हैं इंपॉर्टेंट है, है तिलवाड़ा और लीलवाना ये दो बड़ी खाने हैं दो बड़ी खाने हैं जो आपको ध्यान में रखें ठीक है लीलवाना और तलवाड़ा सॉरी लीलवाड़ा एंड तलवाड़ा ये दोनों याद रहे तो ठीक है नहीं तो याद रखने की जरूरत नहीं है याद रखने की जरूरत नहीं है उदयपुर और राजसमंद को पूछते तो नहीं है लिखा हुआ है याद रखना तो याद कर सकते हैं लेकिन एक पूछते हैं मैंगनीस हमेशा से तो लीलवाड़ा एंड तलवाड़ा को याद रखिएगा बांसवाड़ा में कुछ और ये गांव है ये लीलवाड़ा और तलवाड़ा के गांव है कांसला भी एक गांव है बांसवाड़ा का लोहिया लोहारिया भी है और तमेसरा भी है ठीक है ना तमेशा भी है अब मैंगनीज जो है मैंगनीज जो है उसके दो एस्क होते हैं मिलने एंड ब्रोनाइट

स्टील बनाया जा रहा है ठीक है ना जैसे मैं लिखूं कि स्टील बनाया जा रहा है ठीक है हाँ जैसे मैं कहूं कि स्टील बनाया था स्टील में देखो कोयले की जरूरत क्यों होती है जैसे स्टील बनाना है आपको तो स्टील बनाना है तो आपको लोहा चाहिए तो मान लीजिए कि एक भट्टी है इस भट्टी में आपने लोहा डाल दिया कच्चा लोहा डाल दिया ठीक है कच्चा लोहा डाल दिया इसमें मैंगनीज क्यों आता है ठीक है कच्चा लोहा डाल दिया आप कच्चे लोहे को गर्म करना पड़ेगा तब यह पिघलेगा पिघलने के लिए पिघलाओगे कैसे पिघलने के लिए आपको इसको गर्म करना पड़ेगा भट्टी में डालना पड़ेगा ठीक है और आग जलानी पड़ेगी आपको आप किससे जलाओगे तो आग के लिए कोयला चाहिए इसलिए स्टील के कारखाने वहां होते हैं जहां पर कच्चा लोहा रॉ आपका आयरन और मिले और मिले और कोयला मिले कोयला क्यों चाहिए कोयला चाहिए लोहे को गलाने के लिए फिर इसमें जब लोहा गल जाएगा जब लोहा गल जाता है उसमें निकिल डाला जाएगा क्रोमियम डाला जाएगा मैंगनीज डाला जाएगा और थोड़ा बहुत जितसन डाला जाएगा

ये धातु क्या होता है भाई आप इसको मेटल किसको कहते हैं मेटल जैसे लोहा है लोहे को बजाने पर उससे आवाज आए जिसमें तन्यता हो इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी इल्या, बहुत ज्यादा हो जिसको तोड़ोगे तो वो बुरा बड़े टुकड़ों में टूटेगा बिखरेगा नहीं भाई मेटल किसको कहते हैं आपके तो मेटल मेटल जैसे लोहा है लोहे को फेंको तो आवाज आएगी <laughs> मजबूत होता है सॉलिड होता है मेटल जो होता है धात्विक खनिज जो होते हैं जिसमें हमने टंगस्टन की बात की भी धात्विक खनिजों में मैंगनीज की बात की लोहे की तो उसको एक दूसरे को पटाओे तो आवाज आएगी ऐसे पटकोगे तो आवाज आएगी ठीक है उसमें फिर वो मजबूत होगा सॉलिड होगा बीच में से खोखला नहीं होगा उसको तोड़ोगे ब्रेक करोगे तो ब्रेक करोगे तो उसको एक तो मुश्किल होगा और बराबर टुकड़ों में वो ब्रेक होगा ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा वो बिखर गया कि जैसे चूना पत्थर होता है अब नॉन मेटालिक होता है चूना पत्थर चूने पत्थर को तोड़ोगे तो कंकर में ऐसे कंकर बदल जाएंगे ऐसे ये नॉन मेटालिक है जैसे लाइम स्टोन को आपने तोड़ा तो ऐसे कंकर बन जाएंगे लेकिन लोहे को तोड़ोगे तो कंकर नहीं बनेंगे समझाएंगे लोहे को तोड़ोगे तो कंकर नहीं बनेंगे तो नॉन मेटलिक वो होते हैं जिसको बराबर बजाने से वो आवाज नहीं आती है जिसमें इला, और लोहे को लोहे को आप जब तोड़ना चाहोगे लोहे को जब आप तोड़ोगे ना तो ये तन्यता होगी ये बढ़ेगा लोहा लोहा जो है वो पतली प्लेट बन जाएगी लोहे की मेटलिक खनिज होते हैं उसको जब पीटते हो ना तो वो पतले जैसे अपन सोना सोनार के पास सोना लेके जाते तो पीटेंगे तो वो सोना लंबा हो जाएगा तन्यता है लंबा हो जाएगा ठीक है टकराओगे तो आवाज भी आएगी ठीक है लेकिन जो नॉन मेटालिक खनिज होते हैं आध्यात्मिक खनिज होते हैं उनको जब तोड़ोगे तो इसमें तन्यता नहीं होती है ये बिखर जाएंगे नॉन मेटालिक खनिज ठीक है नॉन नॉन मेटालिक खनिजों की बात करें तो देखिए सबसे पहला आता है वॉलेस्टर <laughs> बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है राजस्थान एकमात्र सोल प्रोड्यूसर है राजस्थान एकमात्र है अभी तक तो राजस्थान में इसका जो है उत्पादन होता है

तो सीमेंट इंडस्ट्री में खूब ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है जैसे आप अगर राजस्थान में जाओगे ना आपको बताऊं राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो मुख्य रूप से कहा मिलती है आप देखो राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री जो मुख्य रूप से मिलती है जैसे राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री मुख्य रूप से मिलती है देखो सीमेंट सीमेंट है ना सीमेंट इंडस्ट्री मुख्य रूप से मिलेगी आपको ये जो सिरोई वाला जो बेल्ट है सिरोई में पिंडवाड़ा का नाम सुना होगा आपने पिंडवाड़ा 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 में आपको सीमेंट की खूब फैक्ट्री दिखेगी पिंडवाड़ा में क्योंकि यहीं पर यहीं पर पिंडवाड़ा के इधर एक जिला है सिरोही ये सिरोई पिंडवाड़ा में ही है यहां पर एक जगह है रेल का बगरा या रेल का बगरा यहां पर वॉलेस्टोन खूब मिलता है तो आराम से इसको जो है एक जगह मिक्स कर सकते हैं या फिर अजमेर में मिलेगी अजमेर बिहार वाले बेल्ट में सीमेंट की इंडस्ट्री क्योंकि अजमेर में अजमेर के रूपनगढ़ में जो है वॉलेटोन खूब मिलता है ठीक है ना और तो और बाकी उदयपुर पाली डूंगरपुर में उदयपुर पाली डूंगरपुर में इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ सिरोही से आप ले जा सकते हैं आराम से वॉलेस्टोनॉइड तो सीमेंट इंडस्ट्री भी वहां दिखाई देगी आपको जहां पर वोलेटनोइट इंडस्ट्री बहुत मजबूती से है या वॉलेटनोइट खनिज बहुत अच्छे से मिलता है जैसे सिरोई में बेल का भगरा बेल का भगरा है अजमेर में रूपनगढ़ है अजमेर में रूपनगढ़ है और ये तो याद रखने की जरूरत नहीं अब जिलों के नाम है तो दो मुख्य रूप से वॉलेस्टोनॉइट के लिए मुख्य क्षेत्र है बेल का भगड़ा और रूपनगढ़ बेल का भगड़ा और रूपनगढ़ रूपनगढ़ अजमेर में है रूपनगढ़ अजमेर और रूपनगढ़ को एक बार मैंने और नदियों में पढ़ाया था अगर आपको याद हो रूपनगढ़ क्यों पढ़ाया था नदियों में रूपनगढ़ क्यों पढ़ाया था मैंने नदियों में रूपनगढ़ वो तो गोविंदगढ़ था बताओ जरा रिकॉल करो तो ये दो है ठीक है ना ये दो है नदियों में पढ़ाया था कहीं तो मैंने पढ़ाया था रूपनगढ़ आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ लगा हुआ है जिसका नाम है ग्रीन टेक एग्रो फूड पार्क राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क कहाँ लगा हुआ है हाँ बिल्कुल 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 ये था रूपनगढ़ में था ना राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क यही वो रूपनगढ़ है अजमेर का जहाँ पर वॉलेस्टर भी मिलता है बेल का बगरा सिरोही में भी वॉलेस्टर मिलता है और राजस्थान में एक वेलकम इंडस्ट्री करके एक कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर की है उसको राजस्थान में लाइसेंस मिला गया है कि वो वॉलेस्ट्रोनॉइट को ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करें नंबर वन स्थान पर है वोलेस्ट्रोनॉइट के उत्पादन में एक मात्रा है ठीक है तो ये भी ध्यान में रखिएगा वॉलेटनॉइड दूसरा खनिज आप देखिए दूसरा है रॉक फॉस्पेट रॉक फॉस्पेट <laughs> ये देखो ऐसा होता है रॉक फॉस्पेट कुछ इस तरीके का होता है इस तरीके का होता है

जब शास्त्री जी थे हमारे यहाँ पर ठीक है ना और उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी है तो दोनों के समय ग्रीन रेवल्यूशन आगे बढ़ा शास्त्री जी ने शुरुआत की थी थी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया था तो आगे तो आगे तो था ठीक है है तो तो आप देखो फर्स्ट ग्रीन हुआ पहली हरित क्रांति हुई थी तो याँ पर याँ पर जो मुख्य रूप से इस एरिया को हमने सिलेक्ट किया था जहां पर हमने हाइब्रिड बीज उनको दिए थे क्योंकि यहाँ प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी थी प्रॉपर जो है सिंचाई की सुविधा थी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए दूसरा दूसरा यहाँ के जो किसान थे यहाँ के जो पेजेंट थे वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे कि बाकी के किसान डर रहे थे कि पता नहीं ये फर्टिलाइजर बीज कैसे होंगे बट दे आर रेडी ठीक है दे वर रेडी ठीक है इस बेल्ट के जो किसान थे आ, पंजाब हरियाणा और यूपी के और दूसरा दूसरे किसानों की तुलना में ये थोड़े समृद्ध भी थे तो ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर हुआ अब यहाँ पर हमने जब हुआ तो यहाँ पर गेहूं मुख्य रूप से बीट ठीक है गेहूं एंड राइस इनको खूब उगाया गया और इसके लिए हमने आप देखो तो उर्वरक का खूब उपयोग किया फर्टिलाइजर खूब उनको दिया जैसे डीएपी वगैरह डीएपी वगैरह खूब दिया गया इससे प्रोडक्शन तो बढ़ा इससे प्रोडक्शन तो बना और भारत जो है फूड सिक्योरिटी में आगे बढ़ा भारत जो है खाद्य सुरक्षा में आगे बढ़ा बंपर जो है हमने प्रोडक्शन किया लेकिन उससे एक समस्या आ गई समस्या ये आ गई कि देखो आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा साइंस में भी कि जैसे क्या होता है क्या होता है कि जब आप ज्यादा सिंचाई करते हो ना ये जैसे खेत में फसल होगी है जैसे खेत में फसल होगी ठीक है ठीके? और नीचे पानी है खूब सारा अब इसकी जड़ है ये रूट से इसकी ये रूट से अब ज्यादा जब आप उसमें डी यूरिया वगैरह डालते हो उर्वरक वगैरह डालते हो तो क्या होता है कि क्या होता है कि और ज्यादा आप इरीगेशन करते हो तो नीचे का बहुत ज्यादा पानी नीचे का पानी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ऊपर भाई जरूरत होगी तो पानी जो है कैपेलरी जो केशी तत्व की क्रिया होती है हो, उसके द्वारा पानी ये खींचता है जिससे आपकी प्रोडक्शन तो बम्पर होती है लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नीचे जमीन के नीचे क्या होता है लाइम की चट्टाने होती है चूना पत्थर की चट्टाने होती है और ये चुना पत्थर की चट्टाने क्या होती है कि चुना चुना पत्थर पत्थर की की जो चट्टानों चट्टानों में में उसके पार्टिकल्स है, वो भी पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं पानी के साथ ऊपर आते हैं और यहां आकर जमा हो जाते हैं यहाँ आकर जमा हो जाते हैं यहाँ आकर यहाँ आकर जमा हो जाते हैं क्योंकि पहले खेत में केवल आप साल में दो पैदावार लेते थे लेकिन अब आपके पास में डीएपी यूरिया है आपने बोरवेल से सिंचाई वगैरह खूब की है तो अब उससे क्या होगा अब उससे ये होगा कि आप एक ही साल में तीन तीन चार चार फसल ले रहे हो तो नीचे से क्रिया द्वारा जो है लाइम की चट्टान चूना पत्थर की चट्टान ऊपर आनी शुरू हो जाती है और जब ऊपर आकर ऊपर आने के जमा हो जाती है तो आपकी मिट्टी जो होगी है वो फर्टाइल नहीं रहती है अब उसमें क्या होते हैं शारियता खूब ज्यादा बढ़ जाती है आपने सुना होगा कि शारियता की समस्या सेलिटी और अम्लता की समस्या बढ़ जाती है और मिट्टी धीरे धीरे जो क्या है मिट्टी का पीएच जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है इसके निदान के लिए इसके निदान के लिए रॉक फॉस्पेट को डाला जाता है ये इसको डालेंगे तो ये सारिता और अमलिता को ब्रेक करेगा तोड़ेगा सारिता और अमृता को जो है ये ब्रेक करेगा ये ब्रेक करेगा ठीक है ना ये जो है ब्रेक करेगा ये तोड़ेगा इसलिए इसको इसको क्या कहते हैं इसको कहा जाता है फर्टिलाइजर मिनरल कहा जाता है उर्वरक खनिज कहा जाता है अब देखो राजस्थान में जो नंबर वन पर आता है राजस्थान में जो नंबर वन पर आता है रॉक फॉस्फेट में उसमें उदयपुर उदयपुर का एक जगह है झामर कोटड़ा उदयपुर का झामर कोटरा एक तो ये दूसरा आप देखो ये है जैसलमेर जैसलमेर में एक जगह है बिरमानिया बिरमानिया। एक बिरमानिया है और जैसलमेर में एक और है एक बिरमानिया है और एक है आपका लाठी सीरीज वाला एरिया है। एक है लाठी सीरीज वाला एरिया और एक यहां पे उदयपुर में एक जगह है भिंडर भी है भिंडर भी है एक हमेशा पूछा जाता है कि राजस्थान में रॉक ये झामर कोटड़ा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है झामर कोटड़ा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है झामर कोटड़ा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है झामर कोटड़ा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है हमेशा ये बार बार पूछा जाता है तो झामर कोटड़ा जो प्रसिद्ध है वो रॉक फर्स्पेट के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर में भिंडर और झामर कोटड़ा दो मुख्य रूप से याद रखिएगा और जैसलमेर में, में बिरमानिया वाला एरिया और लाठे सीरीज वाला एरिया हमेशा सवाल पूछे या तो बिरमानिया से पूछे हैं या झामर कोटेड़ा से पूछे ठीक है ना बिरमानिया से पूछा है या झामर कोटड़ा से पूछा गया है अब देखिए इसमें जैसलमेर आना शुरू हो गया है क्यों क्योंकि अब नॉन मेटालिक खनिज की तरफ आगे बढ़ गया है ठीक है ना नॉन मेटालिक खनिज की तरफ आगे बढ़े है इसके अलावा और मैंने यहाँ पर लिखे हैं अगर आपको याद रहो तो एक सिसारमा उदयपुर में एक सिसारमा झील भी है आपको याद हो तो सिसार में जिसको आप बुजड़ा जिल भी कहते हैं वही वाला एरिया एक मॉनटोन भी है उदयपुर में लेकिन पहले याद रखिए जामर कोटरा नंबर वन पर और दूसरा याद रखिए जैसलमेर का बिरानिया उसके बाद में और भी दो जगह हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं आपको याद रखने के लिए अगर आप मतलब इच्छित है तो उसको याद रख सकते हैं लेकिन दो विशेष रूप से याद रखिएगा उदयपुर का झामर कोटड़ा और जैसलमेर का बिरमानिया जो है ये रॉक फॉस्पेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है इन दोनों को ध्यान में रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले खनिज की तरफ अगला खनिज जिप्सम अब देखो ये रॉक्स में मिलता है जिप्सम जिप्सम ये देखो का कुछ ऐसा फोटो होता है <coughs> ये जिप्सम जिप्सम है 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 अब इसका उपयोग कहां किया जाता है? आप जैसे अप, अपने वो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है एक्सीडेंट होता है तो अपने वो पट्टी बांधते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग किया जाता है ताकि वो मजबूती रहे हाथ हिले डुले नहीं क्योंकि ये पानी में मिलाने पर ये मजबूती प्रदान कर देगा फिर जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम का उपयोग किया जाता है जब सीमेंट इंडस्ट्री में उसके अलावा जब आयरन और इंडस्ट्री जो है आपका आप जब इस्पात बनाते हो उसमें आप स्टील बनाते हो उसमें आप उपयोग लेते हो फिर आपको केमिकल्स बनाना चाहते हो उसमें करते हो फिर जिप्सम एक मिनरल्स है इसका भी उपयोग जो है क्षारीय भूमि के उपचार में किया जाता है जो एल्केलाइन जो आपकी मिट्टी होती है जिसमें क्षारिता काफी ज्यादा होती है ठीक है ना तो उसका उपचार के लिए भी जिस तरीके से रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है उसी तरीके से जो है इसका भी उपयोग किया जाता है तो यह भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है जिप्सम के बारे में भी ठीक है ना इसके बारे में ध्यान में रखना है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं जो आपका जिप्सम है यह कहां मिलेगा जिप्सम के लिए नंबर वन जिला है नागौर नागौर में जैसे बदवासी फलसून मदना और गोट मंगलोद ये ये देखो आप नागौर ये वाला ये वाला बैल है।, है एक तो नागौर है एक बीकानेर है ये मुख्य रूप से ये दो याद रखिए नागौर और बीकानेर ये वाला

दाही मा एरिया मंगलोद, फिर आपका नागौर में है गोट मंगलोद फिर नागौर में क्या नाम भूल गया बदवासी फलसुंड बदवासी फलसुंड तो ये आपको ध्यान में रखना है नागौर में नागौर में ये ठीक है ना नागौर में आपको ये ध्यान में रखना है गोट मंगलोद भदवासी और फलसुन ठीक है ना जिप्सम के लिए फिर आप बीकानेर में जामसर बिसरासर और कोलायत बीकानेर में जामसर बिसरासर और कोलायत ठीक है जामसर बिसरासर और कोलायत यहां पर जामसर बिसरासर और कोला जाम जामसर बिश्रा सर और कोला है. फिर बाड़मेर में एक जगह अगर आपको याद हो तो बाड़मेर में एक बार बांध आई थी उत्तरलाई शायद यहां पर उत्तरलाई एयरफोर्स का भी एरिया है अगर तो मैं सही हूं तो एयरफोर्स का भी एरिया उत्तरलाई है ना बाड़मेर का उत्तरलाई एयरफोर्स का भी एरिया उत्तरलाई उत्तरलाई और एक बाढ़ वाला एरिया है कवास ये उत्तरलाई और कवास अगर आपको यह पता हो तो बाढ़ में एक बार बाढ़ आई थी कवास और उत्तरलाई है ना यहां पर जिप्सम मिलता है उत्तरलाई एयरफोर्स का स्टेशन है ठीक है तो ये आपको खनिज जो है अभी ज्यादा खनिज नहीं है अभी ज्यादा खनिज नहीं है अब तो ज्यादातर तो तांबा लोहा इससे चीजें ज्यादा आती है तो आपको अगर जिप्सम के बारे में पूछे तो नागौर और बीकानेर नागौर में नागौर में अगर डेगाना आ जाए तो टंक्सन देखो नागौर में तो और जगह अपन बात करेंगे माता सुख की बात करेंगे है ना माता सुख जो आएगा वो कोयले में आएगा उसका नाम आएगा नागौर में आएगा गोट मंगलोद बदवासी और फलसुन गोट मंगलोद बदवासी और फलसुन ये जिप्सम के लिए राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम नागौर में ही निकाला जाता है बीकानेर में जामसर बिदरासर और कोलायत जामसर बिसरासर कोलायत बाडमेर में कवास और उत्तरई कवास और उत्तरई ये जिप्सम के लिए फेमस है ये भी एक आपका उर्वरक खनिज है कभी ऐसा आप पूछे कि राजस्थान के उर्वरक खनिजों का उल्लेख करें जो आपके फर्टिलाइजर मिनरल है इनका उपयोग करें तो इसमें भी आपको थोड़ा माइंड मेकअप करके रखना है कि रॉक फॉस्फेट है जिप्सम है इनका उपयोग आप करिए ठीक है अगला देखिए एसबेस्टोस ऐसा कुछ होता है एसबेस्टोस के लिए एक ही जिला याद रखा जाता है उदयपुर उदयपुर यह मुख्य रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है अग्नि से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. है. है इसलिए चट्टानों में मिलता है आग्नि चट्टान में मिलता है. आप देखो उदयपुर उदयपुर की तरफ जाओगे तो उदयपुर में ऋषभ देव भी जिसको काला बाबूजी कहते हैं वही ऋषभ देव केसरिया पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं केसरिया नाथ कहते हैं वही है खेरवाड़ा खेरवाड़ा वही खेरवाड़ा याद है खेरवाड़ा छावनी मेवाड़ बिलकोर की छावनी वही खेरवाड़ा वही मेवाड़ बिलकोर जिसकी स्थापना की गई थी खेरवाड़ा में कॉप्स जिसको कहते हैं सलूम्बर वही ठिकाना सलूम्बर तो ये तीन वो जगह है ऋषभदेव खेरवाड़ा और सुलूम्बर इन तीनों स्थानों पर एसबेस्टॉस खूब मिलता है बाकी तो जिले हैं याद रखने की जरूरत ही नहीं है ठीक है ना कई बार ये सवाल पूछा कि राजस्थान में सुलंबर या एसबेस्टॉस के लिए कौन है ये अग्नि और विद्युत का कुछ अलग होता है इसलिए का उपयोग एयरप्लेन इंडस्ट्री में भी खूब किया जाता है उसको जो है आग से बचाने के लिए भी एसबेस्टॉस का मिलावट की जाती है कि अगर आग वगैरह लग जाए तो उसमें वो जले नहीं ठीक है जले नहीं तो एसबेस्ट्रॉस के बारे में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ये याद रखना है ऋषभदेव खेवाड़ा और सुलंबर ठीक है फिर छोटे छोटे खनिज जैसे एक है पार खनिज एक है फेल्स पार खनिज जिसका उपयोग सिरेमिक इंडस्ट्री और कांच में किया जाता है इसमें फेल्स पार में एक जिला याद रखो एकदम बीच का अजमेर अजमेर यह मैं लिख रहा हूं अजमेर एक ही जिला याद रखो अजमेर अजमेर में एक है ददलिया एक है सांदेर एक है तारागढ़ और एक है लोहारगढ़ लोहारगढ़ हेल्थ पार के लिए बड़ा है इंपॉर्टेंट है ठीक है फ्लोट्सफार अलग है फ्लोर्स में, में एक ही जगह याद रखो एकदम नीचे जाना है डूंगरपुर डूंगरपुर में एक जगह मांडो की पाल मांडो की पाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा मांडो की पाल ठीक है मांडो की पाल इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है इसको जो है कि जाल और सिर मांडो की पाल और एक जगह काहिला मांडो की पाल तो खूब बार पूछा ठीक है ना मांडो की पाल तो जो है खूब बार पूछा है तो आ, जो आपका फेल्स पार और फ्लोर्स पार है ठीक है ना इन दोनों को फेल्स पार के लिए अजमेर में जाओ ये और फ्लोर्स के लिए डूंगरपुर में जाओ यहां पर डूंगरपुर में मांडो की पाल इससे पहले डूंगरपुर का किसी खनिज में मैंने नाम लिया आप बताओ मुझे इससे पहले इससे पहले मैंने डूंगरपुर का किसी खनिज में नाम लिया था क्या आप बताओ मुझे किसमें लिया था डूंगरपुर का खनिज में नाम बताओ जरा मुझे इससे पहले डूंगरपुर गोल्ड के लिए तो मैंने बांसवाड़ा का नाम लिया था बांसवाड़ा जगपुरा और भूकिया देखो गोल्ड एंड मैंगज वो है मोरिस गैराज की कार का नाम सुना है मोरिस गैराज मैंगनीज एंड गोल्ड बांसवाड़ा ऐसा तो नाम नहीं लेना चाहिए मोरिस गैराज का लेकिन याद करने के लिए तरीका ठीक है ठीक है <laughs> डूंगरपुर में मांडो की पाल में फ्लोर्सफार मिलेगा और फेल्सफार जो है वो अजमेर में मिलेगा अजमेर में एक जगह है ददलिया है सांदेर है लोहरगढ़ है और तारागढ़ है तो ये नाम ध्यान में रखिएगा ठीक है ये नाम ध्यान में रखिएगा पूछे जा सकते हैं आपको छोटे छोड़ छोटे खनिज है अब तो अब ज्यादा बड़े बड़े खनिज नहीं है एक है अब्रक अब्रक में क क ब्र और से बिलवाड़ा ऐसे याद रख के गए थे हम तो भाई बिलवाड़ा बिलवाड़ा नंबर वन स्थान पर दाता स्टुकना बनेड़ी ये यहां पर अब्रक के लिए बिलवाड़ा ये बिलवाड़ा ये देखो आप बिलवाड़ा ये बिलवाड़ा भिलवाड़ा अभ्र ऐसा ही बाटो से भिलवाड़ा सर भिलवाड़ा नंबर वन पर है भिलवाड़ा में दांता एक जगह है दाता एक जगह है भुनास एक जगह है बनेड़ी ये कुछ नाम है जो ध्यान में रखिएगा ठीक है ना पहले दो याद रखने से दांता और भुनास सॉल्व कीजिएगा आपको मिल जाएंगे दाता और भुणास के खूब नाम मिलेंगे ठीक है ना खूब नाम मिलेंगे दाता और अभ्रक के लिए एक नाम याद रखना है दाता और भुनाश ठीक है ना दाता और अभ्रक के लिए है अभ्रक भी जो है वो ताप से अभ्रक को कोई फर्क नहीं पड़ता माइका ठीक है ताप से टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता अभ्रक को इलेक्ट्रिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता और ध्वनि रोधक होता है अभ्रक जैसे आप ट्रेन में गए होंगे तो ट्रेन में अभ्रक का खूब उपयोग किया जाता है ठीक है ना वो पट्टियाँ जो लगी होती है सीट के नीचे वगैरह इधर वो माइका लगी होती है खूब उपयोग किया जाता है आपकी पट्टियों के निर्माण में भी इसका खूब उपयोग किया जाता है सजावटी चीजें ऐसी घर में रखने की जिससे आग ना लगे ऐसी चीजों को भी लिया जाता है तो दाता भिलवाड़ा में दाता भुना टनका बनेड़ी और फूलिया इसमें दो पहले याद रखिएगा ये अभ्रक से भिलवाड़ा ठीक है ना ध्यान में रखिएगा ये पूछा जा सकता है ठीक है ना पूछा जा सकता है इसको भी ध्यान में रखिएगा तो ये थे आपके नॉन मेटालिक खनिज देखो नॉन मेटालिक खनिज मेटालिक खनिज सबसे पहले मेटालिक खनिज याद रखने हैं मेटालिक खनिज नॉन मेटालिक खनिज में आपके जो नॉन मेटालिक जो खनिज है आपके अधिक खनिज में खनिज में अगर दस नंबर का सवाल है आर एस कि राजस्थान के किनी राजस्थान के नॉन मेटालिक मिनरल्स ऑफ द राजस्थान Yeah, and, uh, describe, uh, है ना? उनके क्षेत्रों का, का भी उल्लेख करे तो थोड़ा मैप में बना का बनाना और दस नंबर के सवाल में सबसे पहला नाम वॉलिस्टर से शुरू करना वॉलिस्टर जो है वो सिरोई याद रखिएगा सिरोई में बेल का भगरा और अजमेर में रूपनगढ़ वॉलिस्टर आते ही दो सिरोई में बेल का भगरा और अजमेर में रूपनगढ़ ठीक है ना अजमेर में रूपनगढ़ ये याद में रखना है ठीक है उसके 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 बाद 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 में 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 आपको रॉक रॉक फॉर्सपेट में दो याद रखने हैं उदयपुर में झामर कोटड़ा और जैसलमेर थी। में बिरमानिया गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ठीक है उदयपुर में झामर कोटड़ा और जैसलमेर में बिरमानिया ठीक है ना ये दोनों याद रखने जिप्सम जिप्सम आते ही जिप्सम आते ही नागौर की तरफ जाना है ये वाला जिप्सम आते ही नागौर में गोट मंगलोद भदवासी और फलसुंड जाना है और बीकानेर में जामसर बिश्रासर और कोलाई जाना है और बाड़मेर में कवासर उतरलाई जहां पर पहले बाढ़ आई थी वहां पर जिप्सम जो है जिप्सम को थोड़ा ध्यान में रखना है जिप्सम को थोड़ा ध्यान में रखना ठीक है एसबेस्टॉस जो है एसबेस्टॉस अग्नि और विद्युत का कुछ अलग होता है एसबेस्टॉस के लिए उदयपुर उदयपुर में ऋषभदेव खेरवाड़ा और सुलुम्बर ऋषभदेव खेरवाड़ा और सुम्बर ये ध्यान में रखना है ठीक है ये ध्यान में रखना है फेल्स पार जो है फेल्स पार में ददलिया सांदेर लोहरगढ़ और तारागढ़ को याद रखना है और फ्लोट्स पार के लिए मांडो की पाल और काहिला मांडो की पाल और काहिला जो है ये ध्यान में रखना है अब्रक के लिए बिलवाड़ा अब्रक के लिए बिलवाड़ा ठीक है ना दाता भुनास और बनेड़ी ठीक है ये अब्रक के लिए दाता भुनास टुनका और बनेड़ी तो ये नॉन मेटालिक खनिज है जिनके बारे में आपको जानकारी रहनी है अब चलते हैं अटोमिक मिनरल्स की तरफ खनिज खनिज की की बढ़ते बढ़ते हैं, हैं, हैं ये एक काम करते ना, ना? मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर पीडीएफ में में से आप कीपर्ण, कीपर्ण में लिख लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है है किसी को, है ना? ताकि क्या है कि अपन ये पूरा कर लेंगे ना तो जो है इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन कर देंगे है ना ये पी तो मैं आपको दे दूंगा प्लस वालों को जो है या शेयर कर दूंगा तो उसमें आप जो है आ, आप डेफिनेशन नहीं पूछते हैं डेफिनेशन नहीं पूछते हैं इनका खनिज और उसका उपयोग ठीक है ना खनिज और उसका उपयोग तो आप जो है ना आज ही आज ही क्या करना कि जो अभी ये क्लास पूरी हो जाए ना तो जो मैं जिस पर ज्यादा वो ध्यान दे रहा हूँ उसको क्या करना कि जब पी डी तो उसके बाद में लिख लेना तो आपका काम हो जाएगा कि चलिए खनिज वाला टॉपिक करना करवा दे तो आप अभी क्या जल्दबाजी में करोगे उस समय क्या मैप जो भी खनिज किसी को भी भरो मैप से भरना

<pelled> <Suld> <Splat SCI noise> थोरियम जैसे यूरेनियम थोरियम है फिर आपका एक और है यूरेनियम है थोरियम है फिर आपका बैरिलियम है हाँ बैरिलियम है यूरेनियम थोरियम और है ना ये मुख्य रूप से एक बैरिलियम अब देखिए थोरियम तो मिलता नहीं है राजस्थान में थोरियम मुख्य रूप से मिलता है केरल केरल का जो तट है वहां पर एक वो रेत है मोनाजाइट जो रेत मानी जाती है कहा जाता है कि यहां पर भारत में थोरियम के अवशेष मिले हैं है ना थोरियम के अवसर मिलते हैं राजस्थान में यूरेनियम के कुछ साक्ष्य मिले हैं और बेरिलियम के कुछ साक्ष्य मिले हैं लेकिन यहां से हम निकाल नहीं रहे यहां यहां से से हम हम निकाल निकाल नहीं नहीं रहे रहे ठीक ठीक है 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 ना ना जो 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 क्योंकि एनर्जी होती है वो यूनियन लिस्ट का विषय होता है यूनियन लिस्ट का विषय होता है अटोमिक परमाणु ऊर्जा जो होती है परमाणु ऊर्जा जनरेट करना लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो तो पृथ्वी में मिल रहा है यूरेनियम है

उम्रा है एक भिलवाड़ा उदयपुर के पास में भिलवाड़ा थोड़ा इधर इस तरफ ठीक है भिलवाड़ा में भुनास भुनास और एक सीकर में खंडेला ये तीन जगह ऐसी है जहां पर ऐसा माना गया है कि यूरेनियम यहां पर है और आने वाले समय में इसका हम उपयोग करेंगे और आप सबको पता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है कि जैसे आप लाइट बनाते हो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हो तो आप क्या करते हो आपको पानी को गर्म करना पड़ता है पानी को गर्म करना पड़ता है पानी गर्म करोगे तो उससे भाप बन जाएगी भाप वो, वो पाइप में चली जाएगी भाप से उससे क्या बनेगा आप पाइप से से भाप क्या घूमेगा आपका टर्बाइन घूमेगा टर्बाइन से क्या घूमेगा आपका, आपका जो टर्बाइन से क्या घूमेगा तो आपका डायनोमो घूमेगा और डायनोमो क्या करता है डायनोमो जो होता है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है

एक आप बिजली जर... अब एक ही भाप दूसरे तरीके से बना सकते हो कि भाई कोयला तो खूब चलाना पड़ेगा चलो भाप बनाते हैं अपने परमाणु भट्टी से परमाणु भट्टी से क्या होगा जब यूरेनियम के पार्टिकल्स जब वो न्यूट्रॉन की बौछार होती है यूरेनियम टूटता है वो, बेरेलियम, वो बेरेलियम, और क्रिप्टॉन और उसमें जो बैरेलियम में टूटता है तो उसके बाद उससे क्या एनर्जी जनरेट होती है उसी एनर्जी का उपयोग पानी गर्म करने के लिए किया जाता है और लेकिन बहुत कम मात्रा में यूरेनियम जो है वो बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर देता है इसके कारण बहुत जैसे अपना राजस्थान में रावत भाटा में लगा है रावत भाटा में यूरेनियम का प्लांट लगा है रावत भाटा में है ना रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में ये राजस्थान का पहला है लेकिन ये लगाएगा कौन सेंटर लगाएगा राजस्थान सरकार नहीं लगा सकती सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो राजस्थान सरकार लगा सकती है लेकिन अटोमिक वाला नहीं लगा सकती क्योंकि अटोमिक जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है दूसरा अभी लगाया गया है माही माही में काम चल रहा है राजस्थान का दूसरा लगाया जा रहा है माही में ऐसा प्लांट माहिंस वाला यहां पर लगाया जा रहा है ठीक है तो ये तीन जगह जो है यूरेनियम मिलता है एक है उदयपुर में उमरा दूसरा सीकर में खंडेला और और तीसरा जो है बिलवाड़ा में भुनास ठीक है ये ध्यान में रखिएगा यहां पर उदयपुर में उमरा ठीक है बिलवाड़ा में भुनास और सीकर में खंडेला सीकर में खंडेला ठीक है ये ध्यान में रखिएगा आगे चलो तो एक और है बेरिलियम। होरियम तो नहीं मिलता बेरिलियम मिलता है वो खोजा गया, कहा, कहा, पर एक तो जयपुर के पास में अजमेर में है बानंदर सिंदरी एक राजसमंद में शिकारवाड़ी व वा चंपागढ़ा एक भिलवाड़ा में है देवड़ा व तिल्लोली और टोंक में है धोली सकर व सकरवाड़ा और सीकर में है बूचरा व चुरला ठीक है अब इसमें जो सवाल पूछते हैं बैरीलीम से वो ये पूछते हैं मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ एक तो जयपुर से गुर्जरवाड़ा से सवाल पूछते हैं और एक अजमेर से बांदर सिंदरी से सवाल पूछते हैं ठीक है ना एक तो जयपुर में गुर्जरवाड़ा से सवाल पूछते हैं और एक अजमेर में बांदर सिंदरी से जो है सवाल पूछते हैं जो आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना जो आपको ध्यान में रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा बहरीलीम के लिए दो जयपुर में गुर्जरवाड़ा और अजमेर में बांदर सिंदरी ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है ये आपके अटोमिक मिनरल्स थे जो राजस्थान में मिलते हैं एक पांच नंबर का सवाल में इसमें भी आ सकता है कि राजस्थान में मिलने वाले जो अटोमिक मिनरल्स है जो आणविक खनिज है उनका उल्लेख कीजिए तो उसमें आपको दो का उल्लेख करना है एक यूरेनियम का उल्लेख करना है और दूसरा बैरिलिम का उपयोग करना है जो लिखना है वहां पर उसके एरिया वगैरह मैप वगैरह ड्रॉ करनी है अब सबसे इंपॉर्टेंट जो खनिज है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खनिज जो है उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सिंपल सा तरीका है वो खनिज आपके सेडिमेंटरी रॉक के खनिज अवसादी चट्टानों के खनिज और अवसादी चट्टानों के खनिज में जो मुख्य रूप से आते हैं आपके खनिज जिनको आप कहते हैं ऑयल एंड गैस ऑयल गैस एंड कोल ठीक है gas. Oil, gas ना जिसको आप कहते हैं फ्यूल खनिज ईंधन खनिज भी कहते हैं

कैसे इसको ध्यान में रखना है मैप आ गया ये रहा हाँ देखो, इसको थोड़ा समझिएगा देखो, सर... देखो, राजस्थान राजस्थान का जो ये अरावली ये अरावली यहां खिचड़ा में ठीक है ये रावली। अरावली का जो ये वेस्टर्न भाग है ये वाला भाग है यहां पर टैतीस सागर के अवशेष थे और तैत सागर के अवशेष होने के कारण यहाँ पर अवसादी चट्टानी मिलती है और अवसादी चट्टानों में ही अवसादी चट्टानों में ही कोयला मिलता है हमेशा हमेशा कोयला जो है कोल अवसादी चट्टानों में मिलेगा ऑयल ऑयल आपका आपका जो जो है जो है अवसादी चट्टानों में मिलेगा और गैस आपके अवसादी चट्टानों में मिलेगी अब इसमें होता क्या है पृथ्वी के नीचे बहुत लंबे समय तक पेड़ पत्तियां और जो है ये आपका जल वगैरह मिक्स होने के कारण लकड़ियां वगैरह मिक्स होने फॉसिल्स जो है मिक्स होने के कारण तेल की छोटी छोटी बूंदे बनती है काफी ज्यादा जो ऊपर से आपका प्रेशर होता है काफी ज्यादा डेंसिटी होती है तो तेल की छोटी छोटी बूंदे जो है यहाँ पर छोटे छोटे छिद्रों में यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है इकट्ठी हो जाती है इन ये जो परत होती है परतों के बीच में जिसको आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं जिनको आप क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन जो तेल और गैस और कोयला इससे बना हुआ होता है ना है होता क्या है कि अगर प्रेशर ज्यादा है किसी बेल्ट में कहीं पर ताप ज्यादा है और दाप ज्यादा है तो वो लिक्विड और डेंसिटी काफी ज्यादा है और टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया जहां पर थोड़ा कम है स्लाइटली कम है तो वहां पर वो कोयले का रूप ले लेता थोड़ा सा जो है कैसा रूप ले लेता कोयले का कोल का थोड़ा वो मजबूती वाली स्थिति में आ गया कोयले वाला अगर वो बहुत ज्यादा आ गया है अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया होगा तो वो 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 फिर फिर गैस का रूप ले लेगा जल जाएगा वो जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है देखो थोड़ा सा टेम्परेचर है तो कोयला बन जाएगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो तेल की बूंद बन जाएगी और उससे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर है तो गैस बन जाएगा वो जल के तो तीनों एक ही जगह मिलेंगे लेकिन कहां मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे यहां पर मिलता है अपना अब राजस्थान में भी अब देखिए आजकल तो डिमांड है इकोनॉमी का ब्लड किसे कहते हैं इकोनॉमी का ब्लड तेल को कहते हैं भाई इकोनॉमी का ब्लड किसको कहते हैं ब्लडी का ब्लड जो है वो तेल को कहते हैं अब तेल जिस राज्य में मिले वो राज्य सौभाग्यशाली माना जाता है राजस्थान में भी तेल खूब मिलता है गैस खूब मिलता है और कोयला खूब मिलता है सबसे पहले मैं ऑयल एंड गैस की बात करूंगा सबसे पहले मैं ऑयल एंड गैस की बात करूंगा उसके बाद में कोयले की बात करूंगा ठीक है देखिए राजस्थान सरकार ने एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक निदेशालय डायरेक्टर ऑफ गैस एंड ऑयल जो है ठीक है ना पेट्रोल और प्राकृतिक निदेशालय जो है पेट्रोलियम जयपुर में एक संस्था की स्थापना की है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक जो गैस निदेशालय है ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस का गठन किया गया जयपुर में राजस्थान में अगर किसी संगठन को अगर राजस्थान में तेल निकालना हो या गैस निकालना हो तो उस संस्था के पास में जाना पड़ता है इस संस्था ने क्या कर दिया इस संस्था ने काम यह किया कि राजस्थान में कहां कहां पेट्रोल और गैस निकल सकता है उसके लिए राजस्थान को चार भागों में बांटा राजस्थान को चार बेसिन में भागा और ये हर एक बेसिन में कई जिले हैं हर एक बेसिन में कई जिले हैं जैसे एक बेसिन इन्होंने बांटा जिसको कहते हैं mm e बाड़मेर सांचोर बेसिन मैं सबसे पहले एक बेसिन की बात कर रहा हूँ बाड़मेर सांचोर बेसिन अब इस बाड़मेर सांचोर बेसिन में कई जिले हैं राजस्थान का सबसे बड़ा बेसिन जहां पर सबसे ज्यादा तेल के कुएं मिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड मिले हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे एक इन्होंने बारमे सांचोल बेसिन ये वाला देखो ये वाला जो आप भाग देख रहे हो ना बारमेर सांचोल बेसिन ये वाला ये वाला भाग बारमेर सांचोल बेसिन ये वाला ये वाला इस बेसिन में बहुत सारे तेल के कुएं मिले हैं जिसमें आप पढ़ते हैं जैसे यहां पर राजस्थान का पहला तेल का कुआ जो 2009 में मिला था राजस्थान का पहला तेल का कुआ जिसका नाम आप पढ़ते हो मंगला ये बाड़मेर सनचोर बेसिन में मिला मंगला फिर आप पढ़ते हो कोसलू है ना कोसलू ये तेल का कुआ यहीं पर मिला बाड़मेर सनचोर बेसिन में फिर आप पढ़ते हो बायतु बायतू जगह भी है जहां पर तेल का कुआ मिला बायतु ठीक है ना ये भी तेल का कुआ यहीं पर है यहां पर मिला फिर आप पढ़ते हो ऐश्वर्या ऐश्वर्या एक तेल का कुआ है जो बाड़मेर सांचोर बेसिन में मिला ऐश्वर्या फिर आप पढ़ते हो सरस्वती एक तेल का कुआ है जो बाड़मेर सांचोर बेसिन में मिला फिर आप पढ़ते हो रागेश्वरी एक तेल का कुआ है जो यहाँ पर मिला फिर आप पढ़ते हो शहीद तुकाराम आमले जी इनके नाम से है शहीद तुकाराम आमले जी ये तेल का कुआ है जो बाड़मेर सांचोर बेसिन में मिला है ठीक है ना ऐसे बहुत सारे तेल के कुएं जो हैं ये बाडमिर सांचोर बेसिन में मिले और राजस्थान का पहला तेल का कुआ ही था वो मंगला था जहां पर 2009 हजार नौ में और आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा तेल निकलता है तो बाडमेर सांचोर बेसिन से ही निकाला जाता है ठीक है ना बाड़चोर तो ये बाडमेर सांचोर बेसिन जो है यहाँ पर ये तेल के कुएं है जहां से तेल निकाला जाता है ठीक है ऐश्वर्या है शक्ति है एक और देखो तो ऐश्वर्या है भाग्यम है बहुत सारे तेल के कुए भाग्यम है शक्ति है है ना शक्ति है गेश्वरी है सरस्वती है सही तुकारा मामले है मंगला है कोसलू है बायतू है गुड़ा मालानी है, है ना गुड़ा मालानी है ये वो सारे एरिया है जहां से तेल ये सारे तेल के कुएं हैं जहां पर खोजे गए हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो राजस्थान का सबसे बड़ा बेल्ट है अब जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे नीदरलैंड की कंपनी है आ, और उसको तेल निकालना है है ना उनको तेल निकालना है तो वो कहां पर जाएगी राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार उनको प्राकृतिक और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निर्देशालय के पास में भेजेंगी और वो कहेंगे कि चलो आपको इस बेसिन में किस बेसिन में तेल निकाला वो कहेंगे कि बाड़मेर बाड़मेर सांचोर सांचोर बेसिन बेसिन में तो में तो लेके जाएंगे ये तेल के कुए फिर वहां पर वो ढूंढेंगे कि नया तेल का कुआ मिलेगा तो फिर वो नए तेल के कुए में वहां पर जो है काम करेंगे ठीक है ना पहला तेल का कुआ था मंगला ठीक है एक तो ये बेसिन हो गया बाड़मेर सांचोर बेसिन ऐसा एक और बेसिन है यहाँ पर पहला बेसिन तो बाड़मेर सांचोर बेसिन राजस्थान सरकार ने दूसरा बेसिन जो ढूंढा वो ढूंढा जैसलमेर सेल्फ बेसिन जिसमें केवल एक ही जिला आता है जैसलमेर यह राजस्थान का दूसरा बेसिन है राजस्थान का दूसरा बेसिन है जिसको कहते हैं जिसको क्या कहते हैं जैसलमेर हेल्फ बेसिन। अब पर तेल के कुएं तो मिले हैं लेकिन राजस्थान सरकार ने यहां पर यह देखा है कि तेल से ज्यादा यहां पर गैस खूब निकलती है यहां पर गैस खूब निकलती है तो राजस्थान में तेल सबसे ज्यादा निकलता है वो तो बेसिन बाद में सान बेसिन है राजस्थान में गैस तो सबसे ज्यादा निकलता है क्योंकि जहां पर ऑयल मिलता है ना वहीं पर गैस मिलती है तो ऑयल ऑयल एंड गैस गैस के के बेसिन बेसिन अलग अलग नहीं होते होते एक ही हैं 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 अब किस बेसिन से 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 आप 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 निकालना निकालना चाहते चाहते कौन तेल कुएं वो पर डिपेंड करता है जैसे एक ऐसा भी होता है जैसे भूमिगत आपने वो देखा होगा भूमिगत गैसीकरण तकनीक का नाम सुना होगा अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन एक टेक्निक होती है है ना आजकल उससे भी राजस्थान में गैस निकाली जाती है वो क्या होती है जैसे मान लीजिए कि ये जमीन जैसे मान लीजिए कि ये मंगला तेल का कुआ है ना एग्जाम्पल के रूप में वैसे तो ये किया तो नहीं जाता मंगला में तो मंगला तेल का कुआ है मान लीजिए ठीक है या जैसलमेर का रामगढ़ तेल का कुआ है मान लीजिए ठीक है ना रामगढ़ अब अब यहां पर ये यह मान लीजिए तेल की छोटी छोटी बूंदे ज्यादा तेल नहीं है ज्यादा तेल नहीं है भूमिगत गैसीकरण में क्या होता है कि अपन यहाँ से एक पाइप डालते हैं अंदर नीचे पाइप डाल दिए जमीन के अंदर ठीक है पाइप डाल दिया जमीन के अंदर फिर क्या करेंगे फिर गर्म पानी डाल देंगे इसमें यहां से गर्म जलता जलता पानी उसके अंदर अब गर्म पानी डाल दिया गर्म पानी क्या करेगा तेल की बूंदों को जला देगा

क्योंकि जहां पर ऑयल मिलता है वहीं पर गैस मिलता है आप डिसाइड करो कि आपको यहां से ऑयल निकालना है जैसलमेर तो जिला करते हैं हम गैस निकालते हैं और राजस्थान में पहली बार जो गैस निकाली गई थी वो जैसलमेर बेसिन से ही निकाली गई थी राजस्थान में फर्स्ट टाइम जो गैस निकाली गई थी वो यहीं से निकाली राजस्थान में मैक्सिमम जो गैस का उत्पादन होता है वो जैसलमेर से ही होता है और जैसलमेर में कई गैस के कुए हैं, गैस के कुएं हैं, गैस के फील्ड है जैसे जैसे कौन कौन से हैं? जैसलमेर में आप देखो जैसलमेर में कौन कौन से जैसे जैसलमेर में लगभग नामों के पीछे वाला लगता है जैसे बागे वाला बागे वाला जैसे गमने वाला जैसे चिन्ने वाला जैसे बकरी वाला जैसे तनोट जैसे रामगढ़ जैसे मनोहर टिब्बा अब इसमें नया इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो बागे वाला में गैस भी निकाला जा रहा था और बागे वाला से अभी हैवी ऑयल भी निकाला जा रहा है भारी तेल का दोहन भी हो रहा है भारी तेल जिसमें डेंसिटी को लेकर इश्यू आता है डेंसिटी ज्यादा रखी जाती है तो वो भारी तेल हो जाता है ठीक है जिसका उपयोग बड़ी इंडस्ट्रियों में किया जाता है ठीक है ना डेंसिटी ज्यादा होती है तो इसका उपयोग एयरलाइन इंडस्ट्री में किया जाता है ठीक है ना तो बाघे वाला से गैस भी निकल रहा है बागे वाले से हैवी वाल भी निकाला जा रहा है ठीक है ना तो ये सारे जो एरिया है बाघे वाला गमने वाला चिन्ने वाला बकरीवाला तनोट रामगढ़ मनोहर टिब्बा ठीक है ये सारे जो है ये जैसलमेर के बेल्ट है जहां पर गैस निकाली जाती है राजस्थान में सबसे ज्यादा गैस का प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्शन होता है वो जैसलमेर बेसिन में होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो बाड़मेर बेसिन में होता है, है।, है, है। राजस्थान में मंगला, में मंगला ऑयल फील्ड में राजस्थान में ये आपको ये दूसरा बेसिन है जो ध्यान में रखना है जो जो पूरी तरीके से गैस फील्ड के लिए रेडिगेशन में गैस फील्ड के लिए और राजस्थान के तीसरे बेसिन की बात करो जो सिंपल है जिसको कहते हैं बीकानेर नागौर बेसिन बीकानेर नागौर बेसिन थोड़ा बड़ा है ये बीकानेर नागौर बेसिन बीकानेर नागौर बेसिन ठीक है इसमें बीकानेर नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं लेकिन यहां पर केवल एक ही जो है तेल का कुआ मिला है मुख्य रूप से जिसका नाम है पूनम क्या नाम है पूनम पूनम यह मुख्य रूप से एक तेल का कुआ यहां पर मिला है बीकानेर नागौर बेसिन में जिसका क्या नाम है पूनम जिसका क्या नाम है पूनम जो आपको ध्यान में रखना है ये तीसरा बेसिन हो गया पहला बेसिन बाड़मेर सांचोर बेसिन हो गया दूसरा जैसलमेर सेल्फ बेसिन हो गया तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन हो गया जहां पर केवल एक ही तेल का कुआ मिला है पूनम चौथा बेसिन जो है वो यहां पर है जिसको आप कहते हैं विंध्यन बेसिन सर फिर आपके जहन में सवाल आएगा कि सर तेल और गैस तो केवल सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं केवल अवसादी चट्टानों में मिलते हैं और सर अवसादी चट्टाने तो जहां पर जल और वनस्पति होती है जहां पर वाटर एंड वेजिटेशन होता है वहीं पर होती है यहां पर सर कैसे ये तो सर ये तो सर मालवा पठार वाला एरिया प्लेटू है सर और ये तो सर डेक्कन प्लेटू से बना हुआ है दक्कन के पठार का हिस्सा है और दक्कन के पठार का हिस्सा मतलब यहां पर तो सर इग्निश्वर चट्टाने हैं भाई कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में तो अब सर ये आ, कौन सी चट्टाने आग्नि चट्टाने काली मिट्टी काली मिट्टी किससे बनती है काली मिट्टी लावा से बनती है काली मिट्टी लावा से बनती है काली मिट्टी ज्वालामुखी से बनती है ज्वालामुखी से जो चट्टान बनती है वो कौन सी बनती है आग्ने चट्टान आग्न इग्निशिस रॉक से ब्लैक सॉइल बनती है इग्निस रॉक से ब्लैक सॉइल बनती है आग्ने चट्टान से काली मिट्टी बनती है तो सर यहाँ पर तो काली मिट्टी मिलती है यह यानी यहाँ पर तो आग्नेय चट्टान है यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर सर कैसे तेल मिल सकता है बिल्कुल ये लॉजिक भी सही है तो देखो आपको पता होगा कि भारत में मैंने बताया था कि, कि भारत में जो तेल मिलता है ना भारत में जो तेल एंड गैस मिलता है वो कहां मिलता है आग्ने चट्टानों में मिलेगा सॉरी अवसादी चट्टानों में मिलेगा कहां पर मिलेगा सैडीमेंटरी रॉक में मिलेगा अब अवसादी चट्टाने दो से मिलकर बनती है एक जल से मिलती है और एक वनस्पति इन दोनों का होना जरूरी है अब जल और वनस्पति कहां होती है या तो समुद्र में होती है या नदियों में होती है या तो समुद्र में होती है या कहां पर होती है नदियों में होती है ठीक है अब देखो भारत में भारत में तेल और गैस कहां मिलता है भारत में तेल और गैस कहां मिलता है बॉम्बे हाई आपने नाम सुना होगा बॉम्बे हाई एरिया बॉम्बे हाई कहां है समुद्र में बॉम्बे हाई एरिया बॉम्बे हाई एरिया कहा है समुद्र में क्यों मिलेगा समुद्र में यहां पर यहां पर क्यों मिलेगा क्योंकि यहां पर सेडिमेंटरी रॉक है यहां पर समुद्र के अंदर जल खूब है और समुद्र के अंदर वनस्पतियां खूब है और उसके ऊपर लेयर 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 हजारों साल से समुद्र है नीचे पता नहीं कितना जो है सेडिमेंटरी रॉक बना हुआ है ठीक है ना यहां मिलता है बॉम्बे हाई क्षेत्र में फिर कहाँ मिलता है फिर आपने पढ़ा होगा कि यहां पर एक ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में आपने नाम सुना होगा नोआखली असम में यहां पर तेल मिलता है नोवाखली में फिर आपने नाम सुना होगा डिब्रू सेवा डिब्रूगढ़ यहाँ पर न, पर फिर आपने एक नहर कटिया का नाम सुना होगा यहाँ पर जो है आपको तेल का कुआ मिलेगा फिर आपने यहां पर एक जो है गोदावरी नदी निकलती है कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी तो गोदावरी कृष्णा गोदावरी गोदावरी एंड कावेरी ठीक है गोदावरी कृष्णा तो इसको के जी बेसिन कहते हैं आप जहां पर रिलायंस इंडस्ट्री यहां पर उनके डेल्टाओं में जो है डेल्टाओं में यहाँ पर तेल मिलता है ऑयल मिलता है ठीक है क्यों क्योंकि नदियों के किनारे क्या होता है नदी जहां होती है तो नदी जहां होती है वहां पर भी वनस्पति होती है भाई नदियों के किनारे भी वनस्पति होगी और जल भी मिलेगा यानी यानी कि कि या, या या तेल वहां मिलता है है जहां पर वनस्पति और जल हो वेजिटेशन वेजिटेशन एंड एंड वाटर वाटर तो समुद्र में होता नदियों के डेल्टा एरिया में होता है नदियों के डेल्टा एरिया में या नदियों के नदियों वाले एरिया में होता है जहां पर नदियां होती है वहां मिल सकता है जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है ठीक है ना अब राजस्थान में देखो राजस्थान तो एकदम अंदर है राज राजस्थान खुशनसीब है कि राजस्थान में यहां पहले खुश नसीब है कि राजस्थान में यहां पहले, पहले समुद्र हुआ करता था अगर ये तैतीस सागर का अवशेष नहीं होता तो राजस्थान में कभी भी तेल नहीं मिल सकता था जैसे मध्य प्रदेश में नहीं मिलता जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता जैसे पंजाब हरियाणा में तेल नहीं मिलता ये राजस्थान की खुशनसीबी है कि राजस्थान में पहले आप कहते हैं रेगिस्तान जो है कोई कहता है कि रेगिस्तान जैसे आपसे इंटरव्यू में पूछ रहे कि रेगिस्तान के क्या फायदे हैं आप बताओ कि राजस्थान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज राजस्थान सरकार को या आने वाले आज जो इकोनॉमी की सबसे बड़ी डिमांड है ऑयल एंड गैस उसका प्रोडक्शन राजस्थान में हो रहा है इससे बड़ी खुश खुशनसीबी आपको रेगिस्तान क्या दे सकता है हालांकि उसकी कुछ कुछ समस्याएं हैं वो अलग है ठीक है ना लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा जाए तो ऑयल एंड गैस को आप कितना उसके बारे में कितना बता सकते हैं ठीक है ना तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ये ध्यान में रखना है तो यहां पर देखो अब यहां पर क्यों मिलेगा भाई यहां पर क्यों मिलेगा यहां पर जैसे कोटा बूंदी बारह झलाव में क्योंकि इसको नदियों वाला संभाग कहते हैं आप क्या कहते हो नदियों वाला संभाग कहते हैं अगर नदियों वाला संभाग है यानी कि नदियों के किनारे तेल मिल सकता है तो राजस्थान सरकार ने इसको ढूंढ कर रखा है कि यहाँ पर चंबल नदी बहती है चंबल की सहायक नदी आहू नदी बहती है आहू की सहायक नदी परवत नदी बहती है फिर यहाँ पर ब्राह्मणी नदी आती है फिर यहाँ पर पार्वती नदी आती है फिर यहाँ पर मेज नदी आती है जब इतनी नदी आती है तो नदी आती है तो हो सकता है यहाँ पर धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टानों का यहाँ पर संग्रह हो जाए और सारी चट्टानों का संग्रह हो जाए तो भविष्य में यहाँ पर कोई तेल का कुआ मिले अभी यहाँ पर कोई भी तेल का कुआ नहीं मिला है तो ये आपके बेसिन है जहां पर तेल और गैस मिलता है राजस्थान में तेल का सबसे बड़ा बेसिन बाड़मेर में सांचोर बेसिन और बाड़मेर सांचोर बेसिन में आपको तेल के कुएं पता होने चाहिए देखो सारी महिलाओं के नाम पूनम को छोड़कर सारी महिलाओं के नाम जो आते हैं तेल के कुआ में वो बाड़मेर में सांचोर बेसिन में आते हैं केवल पूनम एक ही तेल का कुआ है जो यहाँ पर बीकानेर नागौर बेसिन में है और वो है पूनम ठीक है बाकी सारे जो नाम आएंगे मेल फीमेल के नाम वो आपको बाड़मेर जालोर बाड़ बेसिन में आएंगे ठीक है और ये सबसे बड़ा तेल ऑयल का बेसिन है और सबसे बड़ा जो गैस का बेसिन है वो है जैसलमेर उसके नामों के पीछे एक तो कॉमन सेंस क्या लगेगा वाला लगेगा वाला ठीक है ना तो ये आपको तेल और गैस का मैंने बताया ये ध्यान में रखना है दूसरा आप देखिए कोयला कोयला भी है यही मिलता है कोयला कहा मिलता है कोयले की बात करते हैं अभी कोयला भी कहा मिलेगा कोयला कोयला भी जो होता है कोल कोयला भी मिलेगा अवसादी चट्टानों में क्योंकि कोयला आग् चट्टानों में मिल नहीं सकता आग्न चट्टानों में तो कोयला वैसे भी जल जाएगा भाई क्यों मिलेगा वहां पर आग्नि चट्टानों में आग्न चट्टान आज से बनती है कोयला जल जाएगा आग में तो मिलेगा नहीं तो कोयला जो बनेगा वो आग्ने चट्टानों में मिलेगा आग्ने चट्टान में कोयला भी कहा मिलेगा यहीं पर आप देखो यहीं पर अब कहा मिलेगा आप देखो जैसे आप जाओ बाड़मेर में बाड़मेर में बाड़मेर में बाड़मेर में आप जाओगे तो बाड़मेर में जैसे आपने नाम सुना होगा गुड़ा एक तेल का मालानी यहां पर आपको कोयला मिलेगा बाड़मेर बाड़मेर में एक जगह कवास यहां पर आपको कोयला मिलेगा बाड़मेर में कवास में ठीक है बीकानेर में जाओगे बीकानेर में राजस्थान का सबसे प्योर कोयला लिग्नाइट कोयला जो मिलता है कोयले की किस्म है हमारे यहाँ लिग्नाइट की किस्म मिलती है ठीक है ना यहां पर आप देखो तो एक जगह है पलाना राजस्थान का पलाना का एरी कोयला सबसे प्योर माना जाता है दी बेस्ट क्वालिटी दी बेस्ट क्वालिटी कभी पूछे कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी कहां पर मिलती है पलाना में ठीक है पलाना में पलाना में एक तो बीकानेर में पलाना फिर आप देखो तो बीकानेर में आप आपने नाम सुना होगा पलाना फिर पलाना फिर आपके जो एक जगह है बरसिंगसर सर फिर आपके जगह है यहां पर नोखा नोखा वाले एरिया में फिर बीकानेर में है रीरी की ढाणी फिर बीकानेर में है रानेरी की फिर एक और है बीकानेर की अच्छी खासी जगह है जो दिमाग से निकल रही है नोखा है, सर है पलाना है रीरी की ढाणी है रानेरी की ढाणी है बीकानेर का एक और एरिया है खाजू वाला तो बॉर्डर पर हो गया कोलायत मैं भी मिलता है लेकिन एक अच्छा सा नाम है जो मैं भूल रहा हूँ भूल रहा हूँ देशनोक जाते हैं तो बीच में आता है बीठनोक है बिल्कुल बीठनोक नोक है बीठनोक है बीठनोक है बिल्कुल बीठनोक है बीठ हाडला राणा की ढाणी है बीठनोक है फिर एक हाडला राणा की ढाणी है हाडला राणा की ढाणी है एक और है एक जगह और है जो मुझे लिखवानी है अटला राणा की ढाणी है एक जगह और है अगर आपको रिकॉल और बाड़मेर में गिराल तो बाड़मेर में गिराल बाड़मेर में अच्छा याद गिराल बाड़मेर में गुड़ा मालानी कवास गिराल, कवास, फिर यहां पर एक जगह और है बोथिया बाड़मेर में ठीक है फिर नागौर में नागौर तब तक का लेकर नागौर में माथा सुख है नागौर में एक जगह है माथा सुख एक जगह है डेगाना डेगाना एक जगह है मेड़ता में। में। नागौर में मेड़ता डेगाना और माथा सुख यहां पर नागौर में भी मिलता है नागौर में मिलता है अच्छा आ गया नापासन बीकानेर में नापासन नापासन ठीक है ना नापासन ये राजस्थान के मुख्य रूप से वो एरिया है जहां पर आपको जो है कोयला दिखाई देगा ठीक है ना आपको जो है कोयला कोयला जो है दिखाई देगा ठीक है ना ये ध्यान में रखना है कोयला जो है दिखाई देगा तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा बाड़मेर में जैसे गुड़ा है बोथिया है कवास है गिराल है बाड़मेर में गिराल से खूब सवाल पूछते हैं ठीक है ना गिराल है यहाँ पर कोयला मिलेगा बीकानेर में जैसे पलाना का कोयला सबसे प्योर माना जाता है लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है सर है नापासर है नोका है रीरी की ढाणी रानेरी की ढाणी बीठ नोक है हडला राना की ढाणी है ठीक बाड़ है बाड़मेर ये बिका फिर नागौर में आप जाओगे तो नागौर में माता सुख है मेड़ता है और डेगाना है माता सुख मेड़ता और डेगाना तो ये आपके कोयले के एरियाज है जो आपको ध्यान में रखने हैं तो आई होप आपको खनिज आपको समझ में आए होंगे देखो 2009 में मंगला तेल क्षेत्र से हमने पहली बार तेल जो है खोजा था ठीक है ना और गैस का गैस हमने सबसे पहले जैसलमेर में खोजा था उन्नीस राजस्थान में सबसे पहले ऑयल निकाला गया था कि गैस निकाला गया था तो आपका उत्तर आएगा गैस गैस की खोज उन्नीस सौ में हो गई थी ऑयल की खोज दो में हुई है ठीक है ना ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा आपको खनिजा वाला टॉपिक ये तो मैंने बता दिया खनिजा वाला टॉपिक समझ में आ गया रॉक फॉस्पेट वगैरह ये सारा देखिए भूमिगत गैसीकरण मैंने बताई दिया यहाँ पर लिखा भी है बाद में, में हाँ, जो इंडिया लिमिटेड है वो भूमि जो गैसिफिकेशन तकनीक है उसके हम चेंज कर रहे हैं बेड मिथेन का भी उपयोग किया जा रहा है ठीक है एक राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी है जो नाइन मिलियन टन का है बाड़मेर में एक जगह है पचपदरा 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 है ना बाड़मेर में में हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंचपदेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार दोनों कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड जो है वो भागीदारी के रूप में चौहत्तर परसेंट है राजस्थान सरकार छब्बीस परसेंट के आसपास है ठीक है टोटल पैसा जो ये जो प्रोजेक्ट है एक पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें तेल का शुद्ध भी किया जाएगा और तेल से बनने वाले और भी उत्पाद है जैसे कैरोसिन भी बनता है तेल से जैसे मोम भी बनता है तो इन सबका जो है इन सबका भी जो है उसको उसमें सुधार किया जाएगा उनको बनाया जाएगा ठीक है ना तो 16 जनवरी 2018 से इस पर काम किया जा रहा है पचपदरा बाडमेर है और इसमें राजस्थान सरकार की 26 परसेंट भागीदारी है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की चौहत्तर भागीदारी है फोर्टी करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है दो परसेंट तो इसमें मतलब दो अनुपात तो ऋण का है और एक अनुपात इक्विटी में पैसे लगाए हैं और यहाँ के जो भी उत्पाद होंगे वो बी एस सिक्स मानक के होंगे भारत स्टेज सिक्स जो यूरोपियन स्टेज मानक थे उसी के अकॉर्डिंग लेकर भारत स्टेज सिक्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली थोड़े मानक माने गए हैं तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा ठीक है तो बाकी मैंने यहाँ लिखा है बाकी चीजें आप देख लीजिएगा तो ये खनिजों वाला टॉपिक समझ में आया आगे आपको खनिजों वाला टॉपिक समझ में आया कपूर डी जालिबा बारमेर में कपूर डी जालिबा भी है It... इसमें लो, अच्छा it... जो है कपूर डी जाली पापी वो कोयला है ना कोयला बाड़मेर में कोयले में कपूर डी जाली गिराल गिराल तो लिख लिया था आपने कपूर डी जाली पापी हाँ अच्छा याद दिलवाया कपूर डी जाली ठीक है इसको भी लिख लेना कपूर डी जाली ठीक है तो आपको खनिजों वाला समझ में आ गया तो अगला टॉपिक लेके इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान ठीक है इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान राजस्थान की सिंचाई परियोजना राजस्थान की सिंचाई परियोजना देखिए इसको भी थोड़ा मजेदार तरीके से ध्यान में रखना है आप राजस्थान देखो इधर ऐसे अब राजस्थान के पास में राजस्थान में एक तो बारिश कम होती है और राजस्थान की लगभग लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट पॉपुलेशन जो है वो कृषि का कार्य करती है और बारिश जो है वो एवरेज बारिश जो होती है राजस्थान में लगभग सत्तावन सेंटीमीटर के आसपास होती है ठीक है वो भी अलग अलग जगह राजस्थानी रीजन में जाओगे तो लगभग जीरो से बीस सेंटीमीटर के बीच में फिर आप सेमी ड्राई एरिया में आओगे तो बीस से चालीस के आसपास थोड़ा पूर्व की तरफ जाओगे तो बारिश ज्यादा मिलेगी इधर जाओगे तो बारिश कम मिलेगी वेस्टर्न साइड में जाओगे तो बारिश कम मिलेगी जिस राज्य की जिस राज्य की पिछहत्तर परसेंट जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो वहां पर बारिश केवल सत्तावन सेंटीमीटर होती होते कॉन्ट्रोवर्सी तो खड़ी होगी होगी एग्रीकल्चर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी इससे बचने के लिए कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सपोर्ट किया जाए इंडस्ट्री के लिए वाटर पीने के लिए पानी इन समय समस्याओं का निदान करने के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इरिगेशन की तरफ आगे बढ़ती है इरिगेशन में पेयजल भी एक शामिल कीजिए आपकी पानी पीने की उपलब्धता हो और खेती के लिए भी हो और इससे बिजली भी बनाई जा सके अब राजस्थान के पास में दुविधा क्या है राजस्थान के पास दुविधा यह है कि राजस्थान में केवल दो ही नदियां ऐसी है नदियां तो खूब है पढ़ने के लिए तो सौ डेढ़ सौ तो नदियां पड़ ले राजस्थान में लेकिन पानी दो में ही रहता है जो बारह महीने होता है उसमें भी बहुत कम एक तो आपकी नदी है माही जो यू आकार वाली और एक है चंबल और इन दोनों का ओरिजिन भी बाहर है राजस्थान में तो ओरिजिन नहीं है और राजस्थान में जिन नदियों का उद्गम होता है राजस्थान से उन नदियों में पानी नहीं है लूणी नदी बनास नदी खारी नदी डाई नदी मोरल नदी बाणगंगा नदी गंभीर नदी जो भी आप नदियों के नाम लोगे बाकी के किस में भी पानी नहीं मिलेगा जो बारह महीने हो तो एक राजस्थान के सामने इरिगेशन की तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी थी अब राजस्थान ने इस पानी की समस्या का निदान कैसे किया है ब्रॉड लेवल पर आप देखिए राजस्थान सरकार ने प्लान किया कि सेंटर के कुछ प्रोजेक्ट सेंट नदियां जो होती है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होते हुए आगे बढ़ती है तो उस पर दो स्टेट मिलकर या तो किसी प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं या कई बार ऐसा होता है कि किसी नदी पर सेंटर जो है कोई प्रोजेक्ट लगाता है जैसे भागड़ा नांगल बांध भागड़ा नांगल बांध पर जो पैसा लगाया गया वो सेंटर ने लगाया एंड सेंटर विल डिसाइड कि उसकी उससे इलेक्ट्रिसिटी किस किस को देनी है इससे किस किस के लिए नहरें निकालनी है ये सेंटर जो है ये तय करता है जब सेंटर किसी प्रोजेक्ट में फंडिंग करता है और इससे राजस्थान को बेनिफिट हो सकता है तो राजस्थान भी इसमें डिमांड करती है कि इससे इसका एक हिस्सा हमें भी दिया जाए देखो राजस्थान के ऊपर वाले भाग में देखो आप राजस्थान के ऊपर वाले भाग में देखोगे तो यहां पर एक नदी बह रही है सतलज नदी एक नदी बह रही है व्यास नदी ठीक है राजस्थान के दक्षिणी भाग में देखोगे तो यहाँ गुजरात में एक नदी बह रही है नर्मदा नदी एक नदी यहां पर बह रही है माही नदी एक नदी बह रही है यहां पर चंबल नदी चंबल नदी एमपी के साइड में और कोई नदी नहीं बह रही है जिससे राजस्थान में पानी लाया जाए जब आपके पास में पानी नहीं हो तो आप अपने पड़ोस में देखते हैं कि किन किन के पास में पानी है जिससे हम ले सकते हैं फिर राजस्थान में कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिस पर मध्यम सिंचाई परियोजना जैसे आपके गांव का कोई डैम बाकली बांध सुकड़ी नदी पर आपके गांव में लेकिन ये बांधों तो में पानी तब आता है इससे बिजली नहीं बनती है आपके गांव में जो डैम होता है उससे बिजली नहीं बनेगी बिजली कैसे बनेगी भाई बारिश में चार साल में एक बार बढ़ता है पांच साल में एक बार बढ़ता है जिससे सिंचाई भी हो जाए वो भी बड़ी बात है तो ये तो अपने ये बरसात पर निर्भर करते हैं इसका तो कुछ नहीं कर सकते अपन बांध बना के रख सकते हैं और बारिश का इंतजार कर सकते हैं बाहर की जो नदियां हैं उनसे पानी लाया जा सकता है एक हमने जो नहर लाई नहरों से हमने पानी लाया अभी लाओ किससे नहरों से एक लाई हमने गंग नहर सबसे पहली नहर गंग नहर लाई एक सबसे बड़ी नहर लाई इंदिरा गांधी नहर हरी के बैराज से और इंदिरा गांधी नहर लाई गई तो इंदिरा गांधी नहर की मुख्य शाखा फिर इंदिरा गांधी नहर की भी कई शाखाएं निकाली गई कई ब्रांचेस निकाली गई ऐसे कि आसपास के जिलों में भी पानी चला जाए ऐसे ब्रांचेस निकाली गई लेकिन ये सेंटर का प्रोजेक्ट है हमने डिमांड की है और सेंटर ने हमें सपोर्ट किया इसकी भी एक अलग कहानी है इंदिरा गांधी नहर कब आई कब बनाई पहले इसको राजस्थान नहर कहते थे फिर इसका नाम इंदिरा गांधी कब रखा गया कंवर सेन जी का योगदान वगैरह पूरी एक कहानी है कौन कौन सी शाखा है कौन कौन सी ब्रांचेज है जिससे किस किस को बेनिफिट होता है ये एक नर्मदा नहर है तो नर्मदा नहर यहां पर सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी है यहाँ पर सरदार सरोवर बांध है गुजरात में है जिसमें बारह महीने पानी रहता है तो हमने डिमांड की गुजरात सरकार से कि भाई नहर दे दीजिए तो उन्होंने कहा ठीक है तो एक नहर आई है नर्मदा नहर जो राजस्थान के केवल दो जिलों में आती है जालोर और जालोर और बाड़मेर में बाड़मेर वो जिला है जिसमें नर्मदा नहर भी आती है और बाड़मेर वो जिला है जिसमें इंदिरा गांधी नहर भी आती है केवल दो जिलों में आती है फिर यहां पर चंबल है तो चंबल नदी एमपी से आती है तो एमपी वालों से बात की कि भाई एक काम करो हम नहर निकालते तो एमपी वालों ने कहा ठीक है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट ला लिया तो एम तो हमने एक बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में एक माही बजाज सागर डैम बनाया और uh, मध्य प्रदेश वालों ने मध्य प्रदेश वालों ने अपने एरिया में डैम बना दिया एक ठीक है ना अपने एरिया में डैम बना दिया कडाना डैम जिसको कहते हैं अपने एरिया में अब यहाँ से एक नहर निकाली भीखा भाई सागवाड़ा नहर माही बजाज सागर से जो केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों को पानी पिलाती है फिर हमने चंबल नदी के लिए हमने सॉरी ये माही नदी के लिए हमने गुजरात से बात की गुजरात से बात की सॉरी गुजरात से एक गुजरात में बांध बना दिया कनाला बांध और एक हमने यहां बना दिया चंबल नदी के लिए हमने एमपी से बात की और एमपी से बात की चार डैम बनाए एक गांधी सागर यहां पर बनाया और तीन यहां पर बने जिससे विद्युत भी बनाई जाती है और सिंचाई की सुविधा भी होती है अब हम एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसको कहते हैं ईस्टर्न राजस्थान प्रोजेक्ट ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसमें यहाँ की हम छोटी छोटी नदियों को छोटी छोटी नदियों को मिला रहे हैं राजस्थान का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट भी कहते हैं कि राजस्थान की छोटी छोटी नदियों को मिला दिया जाए चंबल का एक्स्ट्रा पानी इसमें आ जाए तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम काम कर रहे हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इनको इनको बांटा गया है एक जिसको कहते हैं बहुउद्देश्य परियोजना है बहुउद्देश्य परियोजना मतलब एक ऐसी प्रोजेक्ट वो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका बहुत सारे उद्देश्य हो बहुत सारे उद्देश्य मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जैसे उससे आप सिंचाई भी कर रहे हो इरिगेशन भी कर रहे हो इससे आप जो है उस वाटर जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर जो है पीने के पानी की भी सप्लाई कर रहे हो इससे जो आप है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेशन कर रहे हो डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेशन विद्युत का उत्पादन कर रहे हो इससे आप टूरिज्म का भी जो है फायदा उठा रहे हो इससे आप फिशरीज का काम भी कर रहे हो मत्स्य उत्पादन भी कर रहे हो तो उसको मल्टी पर, परपज प्रोजेक्ट कहते हैं जैसे इंदिरा गांधी नहर से पीने का पानी भी किया जाता है उपयोग में और हालांकि वो कैनल मल्टी जो है उसमें बहुत उद्देश्य परियोजना जैसे भागड़ा नांगल नहर है आपकी चंबल में जो माही बजाज सागर है वगैरह है ना ये सारे उसमें आते हैं भरे परियोजना ऐसी आती है जिसमें कहा जाता है कि बीस हजार हेक्टर से ज्यादा किसी एरिया में कृषि के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए इरीगेशन के लिए मध्यम बीस हजार से कम दस से बीस हजार हेक्टर के बीच में दस से बीस हजार हेक्टर के बीच में आम तो पर पर केवल एक काम करवाया जाएगा इरिगेशन और लघु दो से दस हजार के बीच में हेक्टर के बीच में ठीक है जहां पर केवल इरिगेशन करवाया जाएगा तो इसी तरीके से राजस्थान की कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे बांध के हिसाब से अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डैम अकॉर्डिंग टू डैम के हिसाब से बात करूं तो राजस्थान में पांच बहुउद्देशी परियोजनाएं एक है भागड़ा नांगल परियोजना ये राजस्थान के बाहर है लेकिन उससे फायदा राजस्थान को मिल रहा है नांगल परियोजना एक है व्यास प्रोजेक्ट एक है चंबल नदी परियोजना एक है माही बजाज सागर परियोजना और एक है परवन बहुउद्देशी परियोजना ठीक है ना परवन डैम के अकॉर्डिंग बांध के अकॉर्डिंग ये पांच है नहर के अकॉर्डिंग अलग है ठीक है ना नहर के अकॉर्डिंग अलग है ठीक है नहर के अकॉर्डिंग अलग है देखियो सबसे पहले भागड़ा नांगल सबसे पहले भागड़ा नांगल नेहरू जी ने जब भारत आजाद हुआ था तो नेहरू जी ने बांधों के लिए काम किया था इरिगेशन के लिए और भाखड़ा बांध को जब देखा था बड़े खुश हुए थे कि ये आधुनिक भारत के नवीन मंदिर होंगे ठीक है ना न्यू टेम्पल्स फॉर मॉडर्न इंडिया ठीक है ना क्योंकि जो आने वाले समय में लोगों के जीवन में रोशनी लेकर आएंगे वो बांध दी जिससे बिजली बनाई जाने वाली है देखिए भाखड़ा नांगल ये भाखड़ा नांगल बांध है भाखड़ा नांगल बांध की बात करोगे ना तो यहाँ देखिये भाखड़ा नांगल बांध जो है जैसे मानसरोवर झील के, हिमाचल, हिमाचल के, पंजाब, पंजाब नदी, नदी, के पास से आती है सतलज की एक नदी है, व्यास नदी जो आ, आपने हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास का नाम सुना होगा रोहतांग मनाली से थोड़ा आप ऊपर जाते हैं कैलौंग ऊपर की तरफ जाते हैं मनाली से केलांग की तरफ जाते है मनाली से जो ले वाला जो रास्ता आप पकड़ते हैं और ले वाला मनाली है ये मनाली है ठीक है मनाली से ऊपर गए ऊपर गए तो यहाँ पर रोहतांग पास आएगा रोहतांग पास से आगे केलोंग आएगा केलोंग से आगे लेह आएगा लेह आप जम्मू कश्मीर से भी आ सकते हैं इधर से भी है ना और यहाँ पर आप मनाली चलते मनाली आप चढ़ते हो चंडीगढ़ से इधर से तो मनाली से जब जाते हो ऊपर जाते हो तो रोहतांग पास आता है रोहतांग पास के पास में यहाँ पर छोटी छोटी जल धाराएं बनती है और यहाँ से जिसको व्यासकुंड कहते हैं और इसी व्यासुंड से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहते हैं व्यास व्यास नदी नदी सतलज की एक सहायक है व्यास। तो इन दोनों का पानी नांगल के लिए लाया गया है ठीक है ना नागड़ा नांगल के लिए तो नांगल नांगल जो 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 नदी है नांगल जो है डैम बांध बनाया गया वो तो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और नांगल बांध बनाया गया है वो पंजाब में बनाया गया दो डैम बनाया गया भागड़ा नांगल बांध के रूप में आप देखोगे तो ये देखो ये आपको जो सबसे बड़ा बांध दिख रहा है ना ये वाला ये वाला यहां से देखो इतना देखो ये ये वाला जो आपको डैम दिखाई दे देना ये ये इतना बड़ा जो है कहते हैं कि पाकिस्तान तक डूब जाए ठीक है ना ये वाला जो है ये वाला आपको जो डैम दिखाई दे रहा है ना ये वाला ये ये भागड़ा डैम है ये हिमाचल प्रदेश में, है। ये, हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हो भागड़ा ठीक है ना ये भागड़ा डैम है भागड़ा है ये हिमाचल प्रदेश में और आप देखो तो ये वाला ये वाला आप देखो ये वाला छोटा सा डैम यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये देखो ये सर आप इतना क्योंकि पानी नदी को रोक दिया गया तो पानी पीछे तक भर गया है ये इसको, ये देखो ये नांगल बांध है नांगल बांध है ठीक है नांगल बांध है ये यहां पर ऐसे ये बॉर्डर है इस तरफ हिमाचल प्रदेश इस तरफ पंजाब ठीक है ना तो भाकड़ा बांध तो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध जो है वो पंजाब में है अब बांध बनाया गया पानी हमेशा रहता है तो बांध को रोका गया अब यहाँ पर क्या बनाया गया बांध से अब यहाँ पर इन्होंने टर्बाइन लगा दिए बिजली से जो है वो अब देखो ये प्रोजेक्ट लाया किसने केंद्र सरकार ने लगाया अब इससे क्या बनेगा एक तो इससे बिजली बनाई जाएगी अब एक इससे नहरें निकाली जाएगी कैनल निकाली जाएगी नहरें निकाली जाएगी, नहरे निकाली जाएगी। पानी पहुंचाना है अलग अलग राज्यों में जैसे एक नहर निकाल के पंजाब में चली गई तो पंजाब वालों को पानी मिल गया एक नहर निकाली गई तो हरियाणा वालों को पानी निकल गया एक नहर निकाली गई तो दिल्ली वालों की तरफ तो पानी चला गया अब एक नहर राजस्थान क्योंकि इसमें राजस्थान ने भी डिमांड की थी कि भी हमें भी भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से एक तो हमें बिजली भी दो इलेक्ट्रिसिटी भी दो और एक हमें पानी भी दो तो पानी कैसे आएगा तो कहाँ कैनल से आएगा तो नहर निकालो तो नहर निकालनी पड़ेगी भी वहां से इतनी बड़ी नहर तो नहर कहां से निकाली जाए नहर कहां से निकाली थी तो नहर निकालने के लिए तय किया गया कि सतलज नदी है ये ये सतलज नदी है ठीक है सतलज नदी पर यहां पर भागड़ा बांध है और यहां पर नांगल बांध है और यहां पर ये ब्यास नदी है ठीक है यहां पर कौन सी है ब्यास नदी है व्यास नदी पर भी एक बांध बनाया गया जिसको कहते हैं पोंग डैम अभी बात करेंगे पोंग डैम ठीक है अब अब मान लीजिए कि ये भागड़ा बांध है ये नांगल बांध है अभी ये सेंटर का प्रोजेक्ट है अभी इसकी मैं कहानी सुनाऊंगा अभी जो है इसकी तो कहानी सुनाऊंगा तो कहा कि राजस्थान ने भी कहा कि भाई हमारे पास में तो बारह मासी दो ही नदियां है चंबल और जो माई नदी है हमारे बिजली की किल्लत है पानी की किल्लत है आप दीजिए हमें पानी तो कहा ठीक है पानी चाहिए आपको बोले हाँ बिजली चाहिए बोले हाँ तो एक काम करो आप जो है टैंकर लेके आया करो सुबह सुबह डेली हिमाचल प्रदेश में टैंकर तो से थोड़ी जाएगा पानी तो बोले नहर निकालनी पड़ेगी बोले निकालो नहर तो नहर कहाँ से निकाली जाए तो कहा कि ठीक है किया गया कि इस इस पूरे अभी मैं बताऊंगा परसेंटेज के रूप में कि कुछ प्रोजेक्ट का इस प्रोजेक्ट का कुछ परसेंट एरिया राजस्थान को दिया गया पानी के रूप में कि भाई इतना आप मिलियन जो जो है पानी आप ले सकते हैं जो मिलियन मीट्रिक टन आप पानी ले सकते हैं और आपको बिजली देनी तो बिजली के लिए हम क्या करते हैं वायर घीस लेते हैं वो बड़े बड़े हाई टेंशन वायर नहीं होते तो बिजली का वायर आ गए अपने भाटा नागल बांध से बिजली के वायर आ गए तो बिजली का वायर तो आप देखो तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से होते हुए एंट्री करते हैं बिजली के वायर ठीक है ना वो तो बिजली के वायर आ गए अब पानी लाना है तो कैसे लाएंगे तो कहा की एक काम करो हरी के बैराज से एक नहर निकाल दो आप भाई पानी नहर के तो हरी के बैराज से एक नहर निकालेंगे जिसको आप कहते हैं इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में भागड़ा नांगल बांध के तहत जो पानी मिलता है वही इंदिरा गांधी नहर के थ्रू आता है हमारे पास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई पानी लाना पड़ेगा तो नहर तो क्या इंदिरा गांधी हरी के बैराज से जहां पर ये नदी और एक दिक्कत यह आ गई थी भाखड़ा बांध में भी पानी रोकेगा फिर छोड़ा जाएगा जितना जितना है अब सर्दियों में क्या होता था कि पानी की कमी आ जाती थी तो फिर व्यास नदी पर एक पोंग डैम है तो राजस्थान सरकार ने यहाँ पर भी डिमांड कर दी कि भाई व्यास नदी पर जो पोंग डैम है ना उससे पानी दीजिए हमें तो कहा ठीक है बोले तो पोंग डैम से सर्दियों में जब जब इंदिरा गांधी नहर में सर्दियों में पानी की कमी होती है ना तो पोंग डैम से पानी छोड़ दिया जाता है एक्स्ट्रा पोंग डैम से पानी छोड़ देते हैं जो व्यास नदी पर है और यहाँ से पानी एक्स्ट्रा छोड़ दिया जाता है पानी आता है पानी आता है हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर में ट्रांसफर हो जाता है इस तरीके से तो ये दो प्रोजेक्ट है तो मैं भागड़ा नांगल डैम की बात कर रहा हूँ इसका मतलब इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलेगा ठीक है ना इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलेगा तो ये भागड़ा और नांगल जो डैम है तो भागड़ा जो ये भागड़ा नांगल जो परियोजना है आ, ये एक्चुअल में आ, सर लुइस डेने नाम के एक व्यक्ति थे 1908 में उनके दिमाग में ये आया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए और आ, उनके दिमाग की उपज थी फिर उसमें कंवर संजी का भी योगदान था बीकानेर के जो एक बहुत बड़े इंजीनियर माने जाते हैं ठीक है तो 1948 में जाकर जब भारत भारत नाइनटीन में जब आजाद हुआ तो उसके बाद में 1948 में इस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ सतलज नदी पर दो बांध बनाए गए इसमें जो राज्य सम्मिलित हुए उसमें जो उसमें पंजाब हरियाणा राजस्थान जो है उनको कहा गया कि हम आपको जो है इरीगेशन के लिए पानी देंगे इरीगेशन के लिए भी पानी देंगे आपको और ड्रिंकिंग के लिए भी पानी देंगे आपको ठीक है ना लेकिन जो आ, दिल्ली और जो चंडीगढ़ जो यूटी है उनको केवल केवल जो है उनको केवल एक तो इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी और दूसरा उनको ड्रिंकिंग के लिए पानी दिया जाएगा इरिगेशन के लिए पानी नहीं दिया जाएगा कुल मिलाकर यह है कि इतना अगर आपको टेढ़ा याद नहीं रखना है तो इसमें पंजाब हरियाणा राजस्थान चंडीगढ़ और दिल्ली ये इस प्रोजेक्ट में शामिल है बस इतना मातवपूर्ण नहीं करनी है कि भाई पंजाब हरियाणा राजस्थान चंडीगढ़ और दिल्ली इस प्रोजेक्ट में शामिल है ठीक है ना जिसके तहत सुविधाएं मिलती है ठीक है इसमें देखो इसमें दो बांध बने एक बांध भाखड़ा बना भागड़ा बांध 1955 में जो है इसकी जो है नींव रखी गई और ये 1963 में बनकर तैयार हुआ हिमाचल प्रदेश में एक बिलासपुर जगह है वहां पर ये बनाया गया है दूसरा बांध जो है वो नांगल बना जो पंजाब के रोपड़ में बना है जो उन्नीस में बनकर तैयार हो गया था नांगल बांध पहले बना था भाखड़ा बांध बांध में बना था नांगल छोटा सा बांध था तो ये पहले बना था भाघड़ा बांध जो है वो थोड़ा बाद में बना था ठीक है ना वो थोड़ा जो है वो थोड़ा जो है वो बाद में बाद में बना था ठीक है अब इससे इससे जो है आप देखिए इससे टोटल जो है इससे टोटल 1480 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है ये दोनों जो डैम है ये मिलकर 1480 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं उसका 15.22 परसेंट राजस्थान के हिस्से आता है जैसे जैसे मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल के रूप में अगर 100 मेगावाट अगर बिजली का उत्पादन होता है सौ मेगावाट अगर बिजली का उत्पादन होता है दोनों तो सौ सौ मेगावाट में से पंद्रह मेगावाट हमारे पास में आएगा पंद्रह मेगावाट ठीक है अभी ये कैसे आएगा तो वायर लिए गए ऐसे वायर और वायरों के थ्रू हमारे पास में नीचे पहुंचता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में आती है आगे इंस्टॉलेशन होता रहता है ठीक है ये तो हमें जो है और ही पानी मिलेगा जैसे अगर यहाँ से सौ लीटर पानी रिलीज किया जाएगा सौ लीटर तो उसमें से पंद्रह लीटर पंद्रह लीटर पानी जो है वो राजस्थान के लिए रिलीज किया जाएगा पंद्रह पॉइंट बाईस लीटर पंद्रह पॉइंट बाईस लीटर राजस्थान के लिए कैसे रिलीज किया जाएगा तो वही कंसेप्ट कि याँ पर याँ से नहर निकाले इंदिरा गांधी नहर नहर इंदिरा गांधी में बाईस लीटर पानी छोड़ दिया जाएगा सौ लीटर का ठीक है ना तो इस तरीके से इंदिरा गांधी नहर के थ्रू राजस्थान में पानी आता है नांगल डैम से ठीक है ना नांगल डैम से इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है फिफ्टीन पॉइंटी टू ठीक है ना तो ये भी ध्यान में रखिएगा अभी मल्टी क्यों है क्योंकि इससे इरिगेशन भी करते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी भी होती है इससे ड्रिंकिंग भी मिलता है ठीक है इंदिरा गांधी नहर को मैं आगे पढ़ाऊंगा ठीक है इससे हमारे ये जिले लाभान्वित होते हैं जो बॉर्डर पर स्थित है इस तरफ और सिंचाई का सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ को मिलता है ये भी आप ध्यान में रखिएगा पहला भागड़ा नांगल दूसरा है व्यास देखिए व्यास नदी व्यास नदी व्यास नदी जो है ना मैंने अभी आपको बताया व्यास नदी पर व्यास प्रोजेक्ट लाया गया जिसके तहत दो बांध बनाए एक पंडो बांध और एक पोंग बांध ठीक है ना पंडो बांध और पोंग बांध ठीक है ना व्यास नदी पर दो बांध बनाए गए हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो सतलज की सहायक नदी है पंडो बांध और पोंग बांध पंडो बांध जो है वो हिमाचल के मंडी में बनाया गया है जहां पर एक बिहार इलेक्ट्रिसिटी हाउस बनाया है जिससे राजस्थान को 20 परसेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और पोंग बांध जो है वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बनाया है जहां से उनसठ हिस्सेदारी जो है वो राजस्थान को मिलती है इलेक्ट्रिसिटी में और इंदिरा गांधी नहर को सर्दियों में पानी भी जो है मिलता है वो पोंग डैम से मिलता है ये कई बार सवाल पूछा है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी सर्दियों में पानी मिलता है वो पोंग डैम से ही मिलता है तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में, द्यान में थोड़ा रखना है पोंग डैम से मिलता है तो ये भी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान ध्यान में में रखना है ठीक है ना तो ये व्यास नदी की परियोजना है जिससे हमें व्यास नदी में कितनी हिस्सेदारी है तो याद रखना कि पंडो डैम में बीस परसेंट हिस्सेदारी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी पंडो डैम से केवल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ट्वेंटी परसेंट ठीक है और पोंग बांध से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी फिफ्टी नाइन परसेंट और पानी मिलेगा इंदिरा गांधी के लिए सर्दियों में यहां पर ठीक है ना ये ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है ये भी ध्यान में रखना है ब्याह सतलुज एक लिंक परियोजना भी आ, की गई है जिसको पंडो से सतलुज से जोड़ा गया है तीसरी आप देखिए चंबल नदी परियोजना अब थोड़ा इस तरफ चलते हैं चंबल नदी परियोजना की तरफ ठीक है चंबल नदी परियोजना की, की तरफ आप देखो <laughs> आपने देखा होगा कि चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में विंध्यांचल की पहाड़ियों में मेद झील जो है यहां से चंबल नदी का उद्गम होता है ना और चंबल नदी जो है ये सबसे पहले इधर से होती हुई चित्तौड़गढ़ में एक जगह है आपने नाम सुना होगा यहां पर यहां पे प्रवेश करती है फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा में कोटा के बाद में बूंदी में बूंदी के बाद माधोपुर करौली और धौलपुर होते हुए आगे उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है चम्बल नदी अब चम्बल नदी निकलती है एमपी से फिर राजस्थान में गुजरती है राजस्थान के छह जिलों में फिर राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है चंबल नदी तीन राज्यों में गुजर तीन राज्यों की नदी है ये चंबल नदी एमपी ऑरिजिन होता है राजस्थान के छह जिलों से होकर गुजरती है और यूपी में यमुना में मिल जाती है तो इस नदी में भी बारह महीने पानी रहता है तो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने प्लान किया कि क्यों ना चंबल नदी में जो बारह महीने पानी रहता है तो उस पर डैम बना दिए जाए और डैम बनाकर जो है हम उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करें हम उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें नहर वगैरह निकाले पे आपको थोड़ा हिस्सा आपको मिल जाए थोड़ा हिस्सा हमें मिल जाए तो नेहरो का अब ने, अब जो है डैम बनाने तो डैम तो स्ट्रेटजिक लोकेशन पर तो बनेंगे भाई वो पूरा देखते हैं पहाड़ वहाड़ी एरिया पा, पानी जो सारा कुछ है तो एक डैम तो यहाँ बनाया गया गांधी सागर डैम ठीक है ना एमपी में फिर तीन डैम राजस्थान में बने जैसे चित्तौड़गढ़ में एक मीना राणा प्रताप बना कोटा में दो बने कोटा बैराज और ज्वार सागर डैम इस तरीके के चार डैम बनाए तो ये जो परियोजना है आपकी चंबल नदी परियोजना ये नाइनटीन फिफ्टी में आई थी राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है ठीक है ना फिफ्टी फिफ्टी परसेंट की योजना है पचास परसेंट हिस्सेदारी राजस्थान की पचास परसेंट हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की इस इस नदी पर टोटल चार डैम बनाए गए एक गांधी सागर डैम बनाया गया जो मध्य प्रदेश के मंदसौर में है जहाँ पर एक मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है ठीक है दूसरा डैम बनाया गया कोटा बैराज जो कोटा में है जहां पर केवल सिंचाई सीरी, की जाती है इससे विद्युत नहीं बनाई जाती है ये भी कई बार सवाल पूछते हैं कि चंबल नदी प्रोजेक्ट का वो डैम जिससे केवल इरिगेशन किया जाता है तो वो ये है तीसरा बनाया गया राणा प्रताप सागर जो राजस्थान का सबसे बड़ा डैम माना जाता है बिगेस्ट डैम ऑफ राजस्थान है ना राजस्थान का सबसे बड़ा डैम माना जाता है रावत बाटा में है एक सौ बहत्तर मेगावट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है और चौथा है ज्वार सागर डैम जो कोटा के पास में गांव है वहां पर स्थित है और इससे निन्यानवे मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है अगर टोटल बात करें चंबल नदी प्रोजेक्ट से कितना विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है तो 386 मेगावाट 386 मेगावाट में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी पचास तो परसेंट निकाल दो इसका जितना 50 परसेंट आएगा वो राजस्थान के मिलेगा 50 परसेंट जो है वो इसको मिलेगा एमपी को मिलेगा सिंचाई के लिए कोटा बैराज से नहर निकाली गई है एक राइट नहर और एक लेफ्ट नहर एक एमपी में चली जाती है एक राजस्थान में आ जाती है ठीक है ना तो ये ध्यान में रखिएगा ये चंबल नदी से कई लिफ्ट नहर भी निकाली गई है चंबल नदी की लिफ्ट नहर कई बार पूछे तो एक एक जालीपुरा लिफ्ट नहर कोटा में है एक देखो चंबल नदी से पानी तो ले जाना पड़ेगा ना भाई पानी पानी ले जाना पड़ेगा तो राजस्थान में किन किन को सुविधा मिलती है कोटा में एक जालीपुरा लिफ्ट नहर है बारह में एक अंता लिफ्ट नहर है चंबल नदी से निकाली गई है बारह में एक पचेले लिफ्ट नहर है बारह में एक सोरखंड लिफ्ट नहर है कोटा में एक दिगोद लिफ्ट नहर है बारह में एक अंता ये अंता वाली तो आई गई है ठीक है बारह में एक गणेशगंज लिफ्ट नहर है और बारह में एक कचारी लिफ्ट नहर है तो ये कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई है जो आपको ध्यान में ये ये अंता लिप्ट नहर है और ये अंता नहर माइनर है छोटी है ठीक है ना आठ है ये नहर ये बिग बड़ी है और ये नहर माइनर है ठीक है ना तो ये आठ लिफ्ट नहरें जो है जो किससे निकाली गई है चंबल नदी से निकाली गई है ठीक है ना चंबल नदी से निकाली गई है तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है आपसे पूछी जा सकती है ठीक है आप देखो अगली एक प्रोजेक्ट जो है वो है माही बजा सागर वो कौन सा है माही बजार सागर देखो माही बजा सागर आपने अगर पता हो तो माही नदी माही नदी जो है वो भी एमपी से आती है एमपी में और माही नदी एमपी से सीधा बांसवाड़ा के खांडू गांव में प्रवेश करती है फिर प्रतापगढ़ में जाती है थोड़ा बहुत और डूंगरपुर से होते हुए गुजरात में चली जाती है है ना गुजरात में चली जाती है उल्टे यू आकार वाली नदी आप माही नदी कहते हैं दो बार रेखा को काटने वाली है ना और जो है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं वागड़ की गंगा भी कहते हैं वही माही नदी है इस माई नदी पर यह माई नदी आप देखिए एमपी से इसका ओरिजिन हुआ राजस्थान के तीन जिलों में होकर गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और गुजरात में चली जाती है तो इस पर भी डैम बनाने की बारी आई कि भाई इस पर भी डैम बना दिया जाए तो इस पर डैम बनाने के लिए राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों साथ में आए राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों सामने आए साथ में इसमें राजस्थान सरकार की भागीदारी पैतालीस है और गुजरात सरकार की भागीदारी जो है वो पचपन है ठीक है इसमें पैतालीस और पचपन है उसमें पचास परसेंट पचास पचास थी तो इसमें भी कहा गया कि भाई एक काम करते हैं दो डैम बनाते हैं एक डैम आपके पास में हो जाएगा एक डैम हमारे पास में हो जाएगा तो हमने जो एक डैम बनाया वो बांसवाड़ा में बनाया बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में जिसका नाम है माही बजाज सागर डैम और गुजरात वालों ने बनाया कनाड़ा में कडाड़ा कडाना, कडाना 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 गुजरात में एक जगह कडाना जो है वहां पर यह बांध बनाया ठीक है ना बांध बनाया ये माही बजाज सागर डैम है माही बजाज सागर डैम है ठीक है ना माही बजाज सागर डैम है जो कहा बनाया हमने ये देखो ऐसे ये डोंगरपुर बांसवाड़ा ऊपर प्रतापगढ़ ठीक है डूगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तो यहाँ से जो एक नदी आती है यु माई नदी आती है ऐसे ठीक है ना सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है खांदू गांव में बांसवाड़ा में फिर फिर डूंगर प्रतापगढ़ में चली जाती है डूंगरपुर से होते हुए गुजरात में चली जाती है गुजरात में बड़ोदरा बड़ोदरा सिटी जो है वो गुजरात इसी नदी के तट पर है और खम्भा की खाड़ी में गिर जाती है माई नदी अब इस पर यहाँ पर अपने राजस्थान में एक डैम बनाया राजस्थान में डैम बनाया बोरखेड़ा गाँव है

आ, उनके लिए जो है उनको जो जल विद्युत प्रदान करती है ये ये माही इसी इसी डैम से निकाली हमने ये नहर कौन सी न, कौन सा जो है ये डैम है माही बजा सागर इससे डैम इससे ये नहर निकाली है जिसका नाम है भिका भाई सागवाड़ा नहर ठीक है ना भिका भाई सागवाड़ा नहर ये इससे ही हमने नहर निकाली है सागवाड़ा नहर ठीक है ठीके? और इससे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले लाभान्वित होते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर तो ये जो माही बजा सागर परियोजना है ये नाइनटीन की है राजस्थान और गुजरात की है इसमें भागीदारी गुजरात राजस्थान की भागीदारी पैतालीस परसेंट है और गुजरात की भागीदारी पचपन है इससे दो डैम बनाए गए एक एक बजाज सागर जो जो बांसवाड़ा के बोरखड़ा में बनाया गया और कडाना गुजरात में बनाया गया इससे टोटल एक मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है अस्सी हेक्टेयर कृषि जो है वो उससे लाभान्वित होती है इरीगेशन जो होता है नहरों के द्वारा ठीक है ये ध्यान में रखिएगा पांचवी जो डैम आधारित बहुउद्देशीय परियोजना है वो है परवन बहुउद्देशीय परियोजना जो एकदम लेटेस्ट है परवंत परवन ठीक है ना बहु यह डैम आधारित है परवन बहु उद्देश्य परियोजना ठीक है यह देखिए तो आप परवन बहुउद्देश्य परियोजना इसके लिए आपको हारोती रीजन में जाना पड़ेगा हारोती रीजन में जाना पड़ेगा इस तरीके से हारोती रीजन में जाना पड़ेगा ठीक है हारोती रीजन में यहां पर आपका एक जिला है झालावाड़ यहां पर है बारा यहां पर है कोटा और यहां पर है बूंदी बूंदी तो परवन नदी का उद्गम एमपी से होता है परवन नदी का उद्गम एमपी से होता है परवन नदी एमपी से आती है और यहाँ पर बारह में प्रवेश करती है बारह के बाद में झालावाड़ झालावाड़ के बाद कोटा में चली जाती है और काली नदी में मिल जाती है तो झालावाड़ में झालावड़ में एक गांव है अकावत गांव झालावाड़ में एक गांव है अकावध गाँव का ही फोटो आप देख रहे हैं झालावर एक गांव कौन सा है अकावत गांव अकावत गांव में परवन नदी पर डैम बनाया जा रहा है ठीक है डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम है परवन बहु उद्देश्य परियोजना या परवन डैम ठीक है ना यही पर डैम बनाया जा रहा है झालावाड़ में परवन नदी पर इससे आठ सौ गांव जो होंगे वो लाभान्वित होंगे कोटा बारा और झालावाड़ के इसमें याद रखना बुंदी नहीं है शामिल बस ये आपको एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज करेगा ठीक है ना ये थोड़ा अभी नहर की बात बताऊंगा ठीक है ना ये थोड़ा जो है ये थोड़ा आपको हिस्सा कंफ्यूज करेगा तो ये थोड़ा ध्यान में रखना की इसमें कोटा बारा और झालावाड़ है बूंदी नहीं है और इससे इस, देखो पेयजल जो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लगभग अठारह सौ गांवों को मिलेगा जो आ, इरिगेशन जो होगा वो छह सौ सैंतीस गाँवों को लगभग इरिगेशन होगा और इससे उस एरिया के लगभग की लाख हेक्टर के आसपास जो है इन तीनों जिलों की जो जमीन होगी वहां पर पानी मिलेगा उनको इरिगेशन के रूप में और उनतीस सौ सत्तर मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन होगा तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा देखिये लिफ्ट नहर क्या होती है मैं आपको बता दू लिफ्ट नहर ये होता है कि जैसे पानी कई पानी कई बार क्या जैसे ये डैम है ठीक है ये डैम है अब डैम से अगर ढलान इस तरफ है तो पानी आराम से डैम से इधर पहुंच जाएगा लेकिन मान लीजिए इधर थोड़ी जमीन जो है वो थोड़ी जमीन ऊपरी भाग में और यहाँ पर पानी पहुंचा हो तो मोटर से तो पहुंचा नहीं सकते तो फिर लिफ्ट नहरें बनाई जाती है लिफ्ट नहर कैसे अगर आपको पनामा नहर जो लिफ्ट पनामा नहर की बात की लॉक पद्धति तो लॉक पद्धति होती है कैसा होता है जैसे ये 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 नहर है इस नहर में जैसे ये नहर है अब नहर जैसे थोड़ी ऊपर है ऐसे इधर से ऊपर है ठीक है ना ऐसे ऊपर है ठीक नहीं बना ठीक नहीं बना फोटो ठीक नहीं बना लिफ्ट लिप्टर क्या होती है जैसे मान लीजिए जै कि ये नहर आ रही है पानी की नहर आ रही है अब यहां तक तो ठीक है नहर आ रही है फिर यहां पर पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ाना है ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ाना है ना फिर यहां पर ऐसे फिर नीचे चला जाएगा अब यहां पर डैम है तो यहां पर तो पानी आराम से रिलीज हो जाएगा यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है पानी पहुंच जाएगा ठीक है ना यहां से पानी आया पानी आराम से स्लोप के अकॉर्डिंग चला जाएगा लेकिन यहां पर अगर पानी ऊपर जाने में प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या करेंगे यहां पर एक फाटक लगा देंगे ऐसा एक फाटक लगा... लिप फाटक लगा देंगे अब इस फाटक में पानी यहाँ पर दीवारें थोड़ी ऊंची कर दी जाती है दीवारें थोड़ी क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ की दीवारें थोड़ी ऊपर कर दी जाती है ऐसे ऊपर अब पानी यहाँ पर भर गया पानी यहाँ पर ऐसे भर गया है ना ऐसे भर गया यहाँ पर इस दीवार के फिर इस फाटक को खोलेंगे लिफ्ट कर देंगे ऊपर कर देंगे तो वजन आएगा पानी यहां पर बड़ा यहाँ पे आ गया फिर इस फाटक को पीछे वाले को बंद कर देंगे यहाँ पर फिर फाटक लगा दिया यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई फिर पानी यहाँ भर गया इस तरीके से फिर इसको खोल देंगे फिर पानी आ गया आ गया पानी आ गया फिर इस पीछे वाले फाटक को बंद कर देंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जहां पर ढलान के ढलान वाले एरिया में जब पानी चढ़ाना हो ना तो लिफ्ट नहरें निकाली जाए जैसे इंदिरा गांधी नहर की कई सारी लिफ्ट नहरें हैं और एक इंदिरा गांधी नहर की एक तो लिफ्ट नहर होगी और एक शाखाएं होगी शाकाई ब्रांचेज कहा होती है जहां पर स्लोप के अकॉर्डिंग पानी पहुंचाना है पानी आराम से लिप्टर ऊंचाई वाले भाग में पानी पहुंचाना है। ठीक है ना लिप्ट जो है वो ऊंचाई वाले स्तर में पानी पहुंचाना है ठीक है ना ये ध्यान में रखना है उसमें वो परसेंटेज नहीं है सुनील वो मैंने एग्जैक्टली बताया कि कितना परसेंटेज बताया माही वाले में तो पचास पचास है पचास पचास है है ना माही वाले में तो पचास पचास है और नहीं चंबल वाले में पचास पचास है माही वाले में पैंतालीस पचपन है पैतालीस पचपन है ठीक है अब आगे मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अब मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं वो अपन थोड़ा जो है मध्यम सिंचाई परियोजना जो है, थोड़ा कल पड़ते हैं ठीक है ना मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो है अभी रुकिए मैं आपके सवाल जो है उनको लेना है ठीक है ना मध्यम सिंचाई परियोजना जो है उनको उनको कम उनको उनको जो है हम कल करते हैं ठीक है ना मध्यम सिंचाई योजना को क्योंकि फिर अभी थोड़ी देर में मैं करंट अफेयर्स की क्लास के लिए भी आऊँगा करंट अफेयर्स की क्लास के लिए भी आऊंगा ना तो यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा ठीक है ना तो हम सिंचाई तक पहुँचे उसके बाद में तो एक दो टॉपिक है कल एक और मैराथन में कम्प्लीट कर लेंगे बस एक लास्ट मैराथन होगा ठीक है ना उसके बाद कम्प्लीट हो जाएगा आप इस जो मैंने आज पढ़ाया उसके प्लीज आप नोट्स बना दीजिएगा वो आपके लिए जरूरी है ठीक है वो उसके नोट्स जरूर बनाएगा वो आपके लिए ज़रूरी है ठीक है खनिजो वाला और ये तो तो देखिए हमारा नया बैच भी, भी स्टार्ट हो रहा है और अभी करंट अफेयर्स की भी क्लास होगी आज मैं करंट अफेयर्स की क्लास जो है करंट अफेयर्स की क्लास थोड़ी लेट लूंगा क्योंकि अभी साढ़े पांच बजे होती है शाम को करंट अफेयर्स की क्लास लेकिन आज तकरीबन छह बजे करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा ठीक है ना छह बजे यूट्यूब पर ही आपको मैं आऊंगा अपडेट करने के लिए देखिए हमारा आर का नया बैच स्टार्ट हो रहा है आरपीएससी सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है अन की एप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से और यहाँ पर मेरी क्लासेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल होती है नोट्स जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल है पी के रूप में वन ईयर की पूरी फीस यहाँ पर सात हज़ार रुपये है एक साल की जिसमें सभी टीचर्स की क्लासेज है जैसे सुरेश कोलिया सर हैं वो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कई सब्जेक्ट प्रिपेयर करवा रहे हैं जनरल साइंस है उन्होंने उन्होंने जो है अभी आपके लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करवाया है अभी प्रीलिम्स वाले जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें भी वो है तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स की क्लासेज मैं तो हुई उसमें ठीक है ना हुई, हुई उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ दस बारह सब्जेक्ट आ पढ़ा दी अभी तीन चार सब्जेक्ट और लेके आऊंगा तो वो पुराने क्लासेस भी देख सकते हैं दोनों मीडियम में और नई क्लासेज भी है तो एक साल की फीस सात हजार रुपए है यहाँ पर आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा रेफरल कोड रेफरल कोड में आपको क्या करना है कि कोड जो है मेरा इसको अप्लाई करना है अप्लाई करने से फीस में ये स्पेस मत दीजिएगा ठीक है ना अप्लाई करना है और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो फीस है उसमें छः सौ सात सौ रुपये माइनस हो जाएंगे सॉरी सात सौ रुपये और फीस हो जाएगी छः हज़ार तीन सौ रुपये ठीक है छः हज़ार तीन सौ रुपये जब फीस देखनी शुरू हो जाए तो उसके बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए सब कुछ इसमें है आप चाहते हैं लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड क्लासेज पी के नोट्स मेरी टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है इसमें वीकली हमारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी होती है ठीक है हाँ बहुत है बहुत है हाँ बहुत है ईमांशु बिल्कुल ठीक है ना वीडियो को लाइक जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल जाए तो छह बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में आप सभी का स्वागत होगा कल दो बजे एक दूसरा मैराथन लूंगा ताकि बोर ना हो बोर ना हो फिर परसों वापस राजस्थान की ज्योग्राफी ठीक है चलिए केयर ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का